आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कृपया आप लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा जब तक आवश्यक ना हो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है बहुत रोचक भी है, बहुत एरोगेंट भी है और कंट्रोवर्शियल होने की पूरी पूरी इसकी संभावना है। विश्व सभ्यताओं का जनक भारत, ये हमारा आज का विषय है और उसकी मीमांसा हम लोग आज करने जा रहे हैं कि ये मीमांसा का अर्थ है कि ये बात कहाँ तक यथार्थ रूप में संभव है। और आप देखें कि मैंने इसके बीच में भारत के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, जो कि वस्तुतः पुस्तक के शीर्षक में ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाया गया है क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की भी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, की गई है पिछले 200 सालों में, और उसमें हम लोग कभी भी इस बात को लेकर के कभी गर्व या कभी भी सहमति नहीं दे सकते कि कभी भी भारत को हम सबसे ऊपर के स्तर पर रख पाएं या उसकी व्यापकता को समझ पाएं और उसकी सूक्ष्मताओं से परिचित हों। भारत हमारे लिए, जैसा हमें सिखाया गया, कि पिछड़ा हुआ, गरीब और अंधविश्वास और हर तरह के जातिवादी, इस तरह की ही बातों से हमारा काम चलाया गया है। तो इसलिए आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सारा प्रश्न चिन्ह जो है वो उस सारे प्रश्नों को और जितने इसके आयाम हैं उन सभी आयामों को अपने में समाहित करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक आज हम इस चर्चा को अग्रसर करेंगे। और अग्रसर करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हमने सादर निवेदन किया कि वो इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करें। लेकिन चर्चा आरंभ करने से पूर्व और डॉक्टर साहब से आपका परिचय कराने से पूर्व मैं कुछ बातें आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। देखिए, सामान्य रूप से हमें इतिहास जिस दृष्टि से पढ़ा और पढ़ाया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए ये मैंने स्क्रीन पे रखा है कि आप सोर्सेस ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से शुरू करते हैं और प्री हिस्टोरिक फेज से होते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वो वैदिक पीरियड से होते हुए आप जैनिज्म, बुद्धिज्म और महाजनपद, वैसे महाजनपद को भी बहुत कम पढ़ाया जाता है, कम से कम हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता होगा, और मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर, एंशंट इंडियन हिस्ट्री के नाम पे लगभग यही सारा कुछ पढ़ाया जाता है। अब इस तरह की कंडीशनिंग में जब आप ये बात करने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड सिविलाइजेशंस का जो जनक है वो भारत है, तो निश्चित रूप से आप सोच में पड़ते हैं, हमें खुद को एक संकोच का अनुभव होता है, लेकिन हम सभी को इस संकोच से निकलना होगा। तो मैं उसके लिए कुछ बातें आपके साथ और साझी करता हूं। देखिए, जो ये कोलाज है एक तरह से, और आप देखें कि आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने समग्र सभ्यता के ऊपर जो दृष्टिपात करते हैं तो कितना कुछ हमें देखने को मिलता है, आप सभी जानते हैं, उसके लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये विश्व सभ्यताएं हैं जो निश्चित रूप से उसके बाद की हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि आपका और हमारा इस सारे विषय के साथ कैसे संबंध बैठना है। हमें ये देखना है कि जो हमारे पास उपलब्ध था उसका परवर्ती जो सभ्यताएं हैं उन पे कैसे प्रभाव पड़ा और वो कैसे विकसित हुई हम लोगों के कारण से। इसके लिए थोड़ा डीकंडीशन करने के लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर। जब मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, परसेप्शन की बात करता हूं, तो वो आप जानते ही हैं कि भारत का मतलब जो है वो दर्शन है, फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी में मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा रहती है, दर्शन में केवल देखना है, लेकिन देखना कैसे है, सारे का सारा जोर इस बात पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक दिखाई देता है कि ये भारत का स्वास्तिक, रशिया का स्वास्तिक, जर्मनी का, यूएसए से होता हुआ पोलैंड, तिब्बत, पेरू, कहाँ कहाँ आपको नहीं मिलता, एंग्लो सैक्सन, कोरिया, ईरान, और ये सारे आपको, ये एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर हमें कोई संकोच होता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे कि
हमारी लेफ्टिस्ट लॉबी और कई तरह के जो इतिहासकार हैं हमेशा इसी बात के ऊपर बल देते रहे हैं। तो यहां से हम बात एक शुरू कर सकते हैं उदाहरण के तौर पे, और बहुत सारे प्रमाण हैं जिसके विषय में डॉक्टर साहब बात करेंगे। तो कहां स्वास्तिक, एक स्वास्तिक कहां भारत में होता है और फिर वो सारे विश्व में व्याप्त हो जाता है। दूसरा, अगर आप ये भी देखना चाहें तो कभी जो इटली है वहां इटली के घरों में ये चित्र आपको दिखाई देगा, और ये आज वहां के म्यूजियम में उपलब्ध है चित्र, और चित्र को देख करके आपकी तुरंत कहां जानकारी, कहां ध्यान जाता है, कहां ऑब्जर्वेशन जाती है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन जाती है रामायण पे, कि वाल्मीकि रामायण में राम और सीता और लक्ष्मण। अगर ये भी हमें इटली में मिलता है और भारत में की एक परंपरा का वहां पे सूत्र मिलता है, तो निश्चित रूप से आज के इस टॉपिक की सार्थकता और उपयोगिता बनती है, और निसंकोच भाव से हमें इस विषय में बात करना चाहिए, और फिर देखेंगे आगे कि हम कहां तक इसमें अग्रसर हो सकते हैं और कहां तक हम तथ्यों को सुस्थापित कर सकते हैं। तो इस सारी चर्चा के लिए हमने सादर आमंत्रित किया है आज डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी को, और आश्चर्य की बात है कि वो मूलतः विज्ञान के पक्ष से हैं, वो पीएचडी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में उन्होंने की है, लेकिन पुरुषार्थ के नाते अपने दायित्व को समझते हुए वो धीरे 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 इस विषय की ओर अग्रसर होते चले गए, और आज वो प्राच्य विद्या सभा से संबंधित हैं और इंदौर में वो स्थित है, और वहां पर रह करके वो इस सारे विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। पुस्तकें उनकी और भी प्रकाशित हैं, लेकिन आज हमने जिस पुस्तक को स्वीकार किया है चर्चा के लिए, जो कि रिसर्च बेस्ड बुक है, वो है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत। अब इस विषय को अगर आप देखें तो इसके भीतर उन्होंने जो कुछ लिया है उसके बारे में मैं एक दो बातें कहके डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करूंगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे समझ में चीजें आती हैं, कौन से तथ्य हमें स्वीकार्य होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं जहां आप लोगों का ध्यान फोकस करना चाहता हूं वो है कि सबसे पहले इस बात को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं के वैदिक आधार तत्व कौन से हैं, और फिर वो आधार तत्व जो हैं वो अमेरिका, अफ्रीका, मिस्र देश, लगभग 17 जो कंट्रीज हैं वहां पर वो किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं और कैसे उपलब्ध होते हैं, उस सारे के विषय में वो डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा करेंगे। इस पुस्तक के बारे में आप इसका प्रामाणिकता इस बात से कर सकते हैं, और मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा था कि आप बिल्कुल एक साधक के रूप में आपने इस सारे कार्य को किया है, और मैं सचमुच उसके प्रशंसक हूँ उस बात के लिए, और आपके प्रति मैं अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपकी इस मेहनत का लाभ, आपके इस श्रम का लाभ जो है वो हम ले सकें। तो आपने क्या किया है कि 17 देशों के चर्चा इसमें की है, और उसमें 131 पुस्तकों की सहायता ली है, जिसमें से 40 पुस्तकें तो विदेशियों की। अब विदेशियों को उद्धृत करना बड़ा जरूरी है हम भारतीयों के लिए, नहीं तो हम भारतीयों की जो है प्रमाणिकता जो है वो हमेशा संदेहशील बनी रहती है, जिसमें हर तरह के जो लेफ्टिस्ट लॉबी के लोग हैं, लिबरांडोज हैं, वो हमेशा उसको चुनौती देने का प्रयास करते हैं। तो इस सारे विषय को हम देखेंगे, और डॉक्टर साहब की पुस्तक के ऊपर बहुत सारे जो हैं उसके विषय में चर्चाएं हुई हैं, उसके ऊपर कमेंट्स आए हैं, वो मैं देख रहा था नेट के ऊपर, तो मुझे कई चीजें देखने को मिली हैं। तो आप ये देखिए कि भाई इसमें डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और डॉक्टर चारु दत्त पिंगले और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपनी अपनी सम्मति दी है और प्रशंसा की है, जिसमें इतिहासकार भी शामिल हैं, मेरठ के प्रसिद्ध इतिहासकार ए.के. गांधी जो मेरठ से हैं, उनकी भी इसमें हमें टिप्पणी देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से अगर ये सारी बातें हमें डॉक्टर साहब की विद्वत्ता और उनके जो विद्वत्ता का प्रतीक ये पुस्तक है उससे हमें देखने को मिलती हैं, तो निश्चित रूप से हमें सावधान होकर के इस सारे विषय को देखना और समझना होगा। तो इस सारी परिचर्चा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी को कि वो हमारे साथ लगभग अगले 35-40 मिनट इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करें, हमारा मार्गदर्शन करें, और हमारे विश्वास को
सशक्त करें कि हम अपनी भारतीय परंपरा को जो है वो सोत्साह होकर और गौरव के साथ उसे स्वीकार करें और लोगों के सामने उसको स्थापित करें, ताकि ये जो हिस्ट्री का नैरेटिव है, क्योंकि अगले सप्ताह हम इतिहास पे ही एक चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हाउ हिस्टोरियंस हैव बिट्रेड अस, इसके ऊपर हमने अगला एक सत्र रखा हुआ है नेक्स्ट वीक में, तो उसमें हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि वो इस सारे विषय को चर्चा को आरंभ करें और उसके बाद फिर हम इस सारे विषय पे चर्चा और प्रश्न करेंगे। सर ओम, मैं सभी विद्वान जनों को नमन करता हूं और अपना ये सौभाग्य मानता हूं कि मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी को इस मंच ने अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। विश्व सभ्यताओं का जनक भारत एक शोध ग्रंथ लिखने का मैंने प्रयास किया है और मेरी जो कोशिश है वो ये है कि जो भी भारतीय ऋषि हैं, भारतीय विद्वान हैं, भारतीय मान्यताएं हैं, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय शास्त्र हैं, उन सबको लेकर ही मैं आगे बढ़ा हूं और उनको मैंने सच माना है। जैसे मैं ये मानता हूं कि मेरे पिताजी ने बताया था कि मेरे जो दादाजी का नाम जो है पंडित मुरलीधर शर्मा है और वो मैंने माना था, उसी प्रकार जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जानकारी दी है, हमारे शास्त्रों ने हमें जानकारी दी है, उसको मैंने सत्य स्वीकार किया है। और हर विषय के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में देखा जाए तो सारे शोध में हर बात का कोई ना कोई प्रमाण दिया गया है जो कि शोध ग्रंथ में उल्लिखित है। अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये विचार मेरे मस्तिष्क में किस प्रकार से आया। आप जानते हैं कि एडवर्ड थॉमस ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की मीटिंग में 9 अप्रैल 1866 को एक कल्पना प्रस्तुत कर दी और वो कल्पना क्या थी कि आक्सस नदी के किनारे से पशुचारण करने वाले आर्य आक्रमणकारियों की लहरें हरियाणा प्रदेश से होती हुई हिंदू कुश के रास्ते पंजाब में उतरी, जहां वेदों के गंवारू बीच जाते हुए नदी की ओर बढ़े आदि आदि। मतलब सर्वप्रथम उन्होंने एक ये कल्पना पेश कर दी कि जो भारत के लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, वो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को मार पीट के दक्षिण में भगा दिया, एक फूट डालने की कोशिश की। उसके संबंध में सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने 1875 में अपने ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश में कहा कि आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यही उत्पन्न हुए थे और यहीं से वो सारे विश्व में गए और उन्होंने सभ्यताएं आरंभ की। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी संस्कृत ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि हम लोग बाहर से आए थे तो हम विदेशियों का कहा क्यों मान्य करें। तो इस संबंध में मैं लगातार कोशिश करता रहा, खोज करता रहा, 4-5 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद मैं इस शोध को पूर्ण कर पाया और आपके सामने उसको प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं। पीपीटी कर सकते हैं जी? जी डॉक्टर साहब कीजिए, मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूं, आप कीजिए, अपने शेयर कीजिए। नीचे से डॉक्टर साहब एक एरो होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो
पता नहीं क्यों इस पे हो नहीं रही है, अक्सर तो हो जाती। नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे जो है वो एरो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, उसमें फुल स्क्रीन कर दीजिए और अपनी पीपीटी खोल लीजिए। नहीं वो तो मैंने खोल कर रखी है पहले से ही। हाँ जी, तो एंटायर स्क्रीन है उस पे आप क्लिक कर दीजिए। अच्छा कर दिया। हाँ जी, और उसके नीचे फिर शेयर पे क्लिक कीजिए, उसके नीचे ही होगा लिखा हुआ। हाँ जी, अब बस आप सीधा पीपीटी खोल दीजिए। उसमें जो एंटायर स्क्रीन आपने करा है, उधर लेफ्ट में पापा जी इमेज आ रही होगी एक स्क्रीन की आपके, उस पे क्लिक करके फिर शेयर पे क्लिक कीजिएगा। हाँ जी हाँ, एंटायर स्क्रीन के नीचे एक इमेज आ रही है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। नहीं इमेज तो कोई नहीं आ रही, दिक्कत नहीं, इमेज नहीं मतलब स्क्रीन शेयर पे आप क्लिक करोगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं ये कट गया कुछ, दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आप उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मेजर एस एन माथुर, वो शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जी 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। मेजर साहब, मैंने उनको विशेष रूप से डॉक्टर साहब आमंत्रित किया है, जब तक आप स्क्रीन शेयर करते हैं मैं उनसे परिचित कराना चाहूंगा कि सुरेंद्र माथुर जी जो हैं, इन्होंने विश्व भ्रमण किया है और इसी सिविलाइजेशनल इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। मैंने उनके आपको मैंने भेजा है जी, यह सौरभ जी आप ही शेयर कर दीजिए उधर से, डॉक्टर साहब उधर से देख लेंगे अगर आपके पास पीपीटी है तो। उनको पीपीटी नहीं है। ओके एक सेकंड सर, ये वापस नहीं जा रहा है। चलो तो मेजर साहब ने सारा विश्व घूम रखा है और बहुत तरह की यात्राएं की हैं, बहुत रिस्की यात्राएं की हैं, और फिर उसके साथ उन्होंने विश्व में जितने सभ्यताएं हैं उनके उन प्रमाणों को ढूंढा है जहां से वो भारत के साथ आके जुड़ती हैं। तो आज का जो विषय है वो उसके उस एक रूप में वो विशेषज्ञ भी हैं, और अभी निकट भविष्य में हम दोबारा उनका एक जो वक्तव्य है वो इस सारे विषय को समझने के लिए लेंगे। तो मैंने इसीलिए उनसे विशेष निवेदन किया था, क्योंकि उनसे मैंने 2 साल पहले हमने उनके साथ चर्चा रखी थी सारे विषय पे। डॉक्टर रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जब तक वो स्क्रीन शेयर करते हैं? यही मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ पर अटक गए हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, आप एक एक स्टेप बताइए ताकि सौरभ जी या मैं कोई आपको गाइड कर सके। आप अपने को अनम्यूट कीजिए। ऐसा आशुतोष जी, वो आप या तो पीपीटी ना अपने यहाँ उस पे पीडीएफ में मंगवा लीजिए और फिर आगे करवा लीजिए। अखिलेश जी पहले आप अपने को अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अखिलेश जी अनम्यूट कीजिए आपको। अब आप बताइए आप कहाँ अटक रहे हैं ताकि हम जल्दी से आपका व्याख्यान सुने। आप नीचे जाके एरो दिख रहा है आपको जी, गूगल मीट के एरो पे आप क्लिक करते हैं, फिर क्या होता है, मेरे पास 3 चीजें आती हैं, क्रोम टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन। इस तरह आपके कुछ आता है? आपने किस ढंग से ये मीटिंग ज्वाइन की है? आप क्लिक कर पा रहे हैं उस पे? मैंने कंप्यूटर पे आप अपने अच्छा अच्छा ठीक है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अक्सर क्या होता है कि वो खुल के सामने आ जाते हैं कि इस चीज पे ये चीज आपकी खुली हुई है, लेकिन इसमें जो है जो आ रहा है वो आ रहा है वास्तव में जो गूगल पे मैं करता हूँ। चल नहीं ये वो नहीं है, चलिए वो सौरभ जी ने कर दिया है। सौरभ जी को भेज दिया, थैंक यू सौरभ जी।
अब आप बोल सकते हैं जी। और मुझे मुझे भी कुछ टिप्पणियां करनी है तो आप दोनों को सुन लूंगा तब करूंगा, पर जी डॉक्टर मास्टर साहब को और आपको सुनने के बाद। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा सा विलंब हुआ। नहीं 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 कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, और अब आगे जो है बढ़ा दीजिए प्लीज। ये मेरा विषय है आज का और आगे। सबसे पहले जो मैंने अपनी बात रखी है इस शोध ग्रंथ में, मैं सृष्टि के प्रथम से ही सब घटनाओं को लेकर चला हूं और मैंने एक क्रमबद्धता सबके सामने रखी है जो सृष्टि के प्रथम से है, मनुष्य के उत्पन्न होने से है, और सभी के प्रमाण मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो ये सभी जो मुझे शास्त्र प्राप्त हुए और जो विदेशी ग्रंथ प्राप्त हुए उन्हीं के माध्यम से मैंने ये सब किया है। तो पृथ्वी पर प्रथम मनुष्य उत्पत्ति स्थान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ब्रह्मांड का विकास हुआ और जब पृथ्वी की रचना पूर्ण हुई तो सर्वप्रथम हिमालय जो विश्व में सबसे ऊंचा है धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। ईश्वर की व्यवस्था अनुसार सभी वनस्पति जीव जंतुओं का जन्म हुआ। तिब्बत के पठार पर जो स्थान जल से प्रथम बाहर आ गया वहां ईश्वर की व्यवस्था से बहुत से नर नारी की उत्पत्ति हुई, और इसका प्रमाण हमें मिलता है यजुर्वेद के 31वें अध्याय में जहां कहा गया है तेन देवा अजयंत साध्य ऋष्य चाहिए, अर्थात देव ऋषि आदि कोटि के बहुत सारे मनुष्य जो सृष्टि उत्पादक ईश्वर की स्तुति करते हैं। ये देव ऋषि आदि कोटि शब्द को आप आगे ध्यान रखना तो मैं अपनी बात को उससे संबद्ध कर पाऊंगा। और दूसरा प्रमाण यह है कि मुंडको उपनिषद में ये कहा गया है कि ईश्वर ने बहुत से देव ज्ञानी साध मनुष्य तथा पशु पक्षी उत्पन्न किए। यानी इसमें दो बात है सामने, एक तो सारे जीव जंतुओं को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है, दूसरा वो सारे जीव जंतु और मनुष्य जो है वो सृष्टि के प्रथम में ईश्वर की व्यवस्था से उत्पन्न हुए। आगे इसके संबंध में महर्षि दयानंद जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति त्रिविष्टप में हुई जिसको तिब्बत कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आर्य लोग कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे आर्यवत के मैदानी क्षेत्रों में आकर बस गए। इसका प्रमाण हमें मिलता है चरक संहिता में, और चरक संहिता के बारे में यह कहा जाता है कि यह महाभारत पूर्व का ग्रंथ है। उसके चिकित्सा स्थान के रसानाध्याय के चतुर्थ पाद में ये बात आती है, और इसका संस्कृत वर्जन की बजाय में उसका जो अर्थ है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशय यह है कि बहुत दिन तक आर्य लोग हिमालय पर रहे, फिर उन्होंने हिमालय से उतरकर भूमि की खोज की। जिस रास्ते से वे आए उसका नाम हरिद्वार रखा। यहां आकर वे कुछ दिन तो रहे पर जलवायु खान पान के दोष से बीमार होकर फिर अपने मूल स्थान हिमालय की ओर लौट गए, परंतु कुछ काल बाद वे फिर यहां आए। अब की बार उन्होंने यहां के जंगलों को काट काट कर देश को बसने योग्य बनाया। हरिद्वार कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी से लेकर सदा नीरा तक के जंगलों को जलाकर वहां बस गए और इस क्षेत्र का नाम रखा आर्यावर्त। पृथ्वी जब सात दीपों से विभाजित थी तो एक द्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया जिसमें पूरा एशिया का भाग आता है। उसमें हिम प्रदेश को ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भरतखंड या भारतवर्ष कहा गया। भरतखंड में वर्तमान ईरान से लेकर वियतनाम पर्यंत समस्त पूर्वी द्वीप व श्रीलंका से लेकर कश्मीर के ऊपर कजाकिस्तान तक का क्षेत्र आता था। अब मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में ही हुई इसके और भी दूसरे प्रमाण है। एक प्रमाण तो ये है कि अल बेलोनी जो हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो तुर्क लोग थे वो हिंदू थे और उनकी उत्पत्ति तिब्बत से बताई जाती थी। दूसरा जब ईरान का संदर्भ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ईरान में ये पढ़ाया जाता था कि कुछ हजार वर्ष पूर्व हम लोग हिमालय से उतरकर यहाँ आए और यहाँ की अच्छी आबो हवा जानकर यहाँ बस गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, पर मैं चूंकि मेरे पास समय कम है
इसलिए मैं संक्षिप्त में ही आपके सामने सारी चीजों को बता रहा हूं। और जो भी मैं बता रहा हूं वो आगे जो मेरा जब देशों की बात चलेगी तो उसमें से वो संबद्ध हो पाएंगे और उनसे वो संबंधित भी हो पाएंगे। और हिंदुओं में एक संस्कार होता है, जो कोई भी संस्कार होता है उसमें एक संकल्प बोलते हैं, वेवस मनवंतरे अष्टाविशी तीतितम युगे कलयुगे कली प्रथम चरणे भूलोके जम्बू दीपे भारत वर्षे भारत कंडे आर्यवर्त देशे, मतलब पूरी जानकारी दी जाती है कि हम किस मनवंतर में ये कार्य कर रहे हैं, उसकी कौन सा युग है, उसका कौन सा चरण है, उसका कौन सा वर्ष है, हम किस स्थान पर बैठे हैं आदि आदि। तो ये एक हिंदुओं के अंदर या आर्यों के अंदर इतिहास को सहेजने का तरीका भी है और अपने आप को ये जानने का भी तरीका है कि हम किस युग में ये कार्य कर रहे हैं। अब आर्य आर्य शब्द कई बार आ गया है तो हम आर्य शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर करना चाहता हूं। ऋग्वेद में कहा गया है आर्यव्रता वृषजंतो अधिच्छमि, आर्य शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सत्य अहिंसा परिवर्तता परोपकार पुरुषार्थ आदि आर्य व्रतों को विशेष रूप से धारण करते हैं तथा जो श्रेष्ठ गुरुकर्म स्वभाव वाले हैं। आर्य ईश्वर पुत्र ये निरुक्त का वचन है, उसमें कहा गया कि आर्य ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पुत्र से अभिप्राय श्रेष्ठ गुण संपन्न व्यक्ति से है, अतः आर्य शब्द को सार्थक करने हेतु व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना अनिवार्य है। सौरभ, इसके बारे में थोड़ी और मैं आगे आर्य शब्द के बारे में और जानकारी दे देता हूं। ऋग्वेद में आया है अहम भूमि तदा मार्या, ईश्वर निर्देश देता है कि मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है। इससे यह प्रतीत होता है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम आर्यों को उत्पन्न किया तथा ये भूमि प्रदान की, और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईश्वर विश्व के लोगों को आर्य बने रहने हेतु निर्देश भी देता है। सृष्टि के प्रथम से यानी वेदों से लेकर रामायण महाभारत चाणक्य बौद्ध व जैन ग्रंथों में भी भारत में रहने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों को आर्य शब्द से ही संबोधित किया गया है। आर्य किसी जाति स्थान विशेष पर रहने वाले समूह आदि का नाम नहीं है, आर्य शब्द एक विश्लेषण है। तो विश्व का कोई भी व्यक्ति आर्य हो सकता है बशर्ते उसके अंदर आर्य होने के लिए जो गुण कर्म स्वभाव है वो हो। तो ये आगे चल के भी मैं ये सिद्ध करूंगा कि जो सृष्टि के प्रथम में मनुष्य उत्पन्न हुए थे जिनको आर्य कहा गया था वो ही पहले भारत भर में पहले और उन्होंने विश्व में स्थान स्थान में जाके सभ्यताएं आरंभ की। इसका आशय ये भी होता है कि जो भी विश्व के लोग हैं उनके आदि पूर्वज आर्य ही हैं, ऐसा मैंने इस पुस्तक में सिद्ध करने की कोशिश की है। इसके और दूसरे प्रमाण भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हिमालय है जहां मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसका जिक्र सभी प्राचीन मान्यताओं और सभ्यताओं में आता है, जैसे पारसी में मोरू कहते हैं, यूनान वाले मेरोस कहते हैं, दक्षिण तुर्किस्तान वाले मेरू कहते हैं, मिश्र वाले मेरी कहते हैं और असीरिया वाले मोरुक कहते हैं। और चूंकि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय पर हुई त्रिपिस्ट क्षेत्र में हुई, इसके प्रमाण ये भी हैं कि जो हमारे आदि पूर्वज रहे हैं जैसे मनु वगैरह हैं उनका स्थान भी हिमालय पर ही था। वायु प्राण में ये आता है 50वें अध्याय में कि मेरु के दक्षिण और मानस के उत्तर में यह है वेवस मनु अपने यमपुरु में बसते हैं और ये वही वेवस मनु है जिन्हें मनु यानी बाइबिल के अनुसार जिन्हें नू कहा जाता है। तो वो वास्तव में पहले मनु किया गया फिर नू हो गया फिर मेनस मिनोस आदि नामों से प्राचीन सभ्यताओं में बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी यह आता है कि हिमालय पर ही मनु का अवसर्पण अर्थात जल प्रावन हुआ था और दूसरे महाभारत के वन पर्व आदि में भी इस बात का जिक्र आता है कि मनु जो है वो जब हिमालय पे थे जबी जो है जल प्रावन हुआ। इसके अलावा हम सभी लोग कहते हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं आदि ऋषि हैं आदि मनुष्य हैं इंद्र हैं शिव हैं और दूसरे लोग हैं उन सब का स्थान हिमालय पे ही है यानी आदि स्थान पर ही वो लोग बसते हैं।
महाभारत के उपरांत जब पांडव लोग स्वर्ग गए थे तो वो भी हिमालय की तरफ ही गए थे, क्योंकि वो उन्हीं हिमालयन के वास्तिक जो उनके पिता थे वो हिमालय क्षेत्र में ही रहते थे। आगे वेद ज्ञान के बारे में हम केवल बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय शास्त्र है, वो ये कहते हैं कि सृष्टि के प्रथम में जब मनुष्य उत्पन्न हो गया तो उसको सुख से रहने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने चार वेदों के ज्ञान का प्रकाश किया और उन उत्तम मनुष्यों के हृदय में किया जो सब में सबसे अधिक उत्तम थे, सबसे अधिक बुद्धिमान थे, सबसे अधिक पूर्व कर्मों से युक्त अच्छे मनुष्य थे, और उनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये चारों ऋषि कहलाए। इसका प्रमाण हमें यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मिलता है और उसमें कहा गया है कि उस सचिदानंद सब स्थानों में परिपूर्ण जो सब मनुष्यों द्वारा उपास्य और सब समर्थ से युक्त है, उस पर ब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदासी यानी अथर्वेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए। इसके संबंध में अन्य प्रमाण भी अपने हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ऋग्वेद आदि चारों वेद परमात्मा ने इस प्रकार अन्यास उत्पन्न कर दिए, जिस प्रकार की श्वास प्रवास की क्रिया अन्यास होती रहती है। तो वेद के संबंध में एक विस्तृत चर्चा आप लोग अगर चाहेंगे तो एक विस्तृत चर्चा रख ली जाएगी और उसके संबंध में अलग से चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय आज कवर करने हैं, इसलिए हम वेद के संबंध में अन्य बात नहीं कहेंगे, केवल ये कहेंगे कि ईश्वर ने, चूंकि मनुष्य के अंदर जितना भी ज्ञान है वो निमित्तिक ज्ञान है, किसी निमित्त से वो ज्ञान आता है। हम और आप अगर आज हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हमने हिंदी ही सीखी है, फ्रेंच में बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य को ज्ञान देने के लिए ईश्वर ने सृष्टि के प्रथम में चार वेदों का, चार ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया और उन ऋषियों ने ब्रह्मा आदि को यह ज्ञान दिया और बाकी मनुष्यों को ये ज्ञान दिया और ये ज्ञान की श्रृंखला आगे चलती रही, आगे। तो वेद के बारे में कुछ थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। वेद ज्ञान ईश्वरी ज्ञान है, इसकी साक्षी स्वयं वेद के मंत्र प्रमाण है। वेद ज्ञान का पूर्ण प्रकाश सृष्टि के प्रथम में ही हुआ, इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। वेद ज्ञान ऐसी भाषा में है जो सब भाषाओं की मूल है, अर्थात सब भाषाओं का विकास वेद की भाषा मूल संस्कृत से हुआ। वेद ज्ञान से संसार को रचने व संचालन का सत्य व्यवस्थित तर्क सम्मत विधान है, आदि आदि चीजें वेद के संबंध में है जो फिर कभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चूंकि ये सारी चीजें बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि सृष्टि के प्रथम में जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे वो अति बुद्धिमान थे, अति सामर्थ्यवान थे, शरीर से वो काफी सामर्थ्यशाली थे और उनको काफी लंबे समय तक लिखने पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी, जैसा जिसने जो कह दिया उसको वैसा ही याद रखते थे। आगे अब हम बात करते हैं मनुष्य सृष्टि के आरंभ की। तो जब आर्य लोग तिब्बत से उतर कर आए और समस्त विश्व में स्थानों पर धीरे धीरे आर्य लोग अपनी बस्ती बसाते चले गए तो विवस्व मनवंतर में अन्य ऋषियों के साथ मरीचि भी उत्पन्न हुए थे। मरीचि के पुत्र कश्यप से दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह हुआ था और उन 13 कन्याओं में अदिति, दिति, दनु आदि थीं। तो अदिति से उनको 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे जो कि आदित्य कहलाए थे और दिति, दनु आदि से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो दानव कहलाए थे। विशेष दैत्य व दानव द्वारा मध्य एशिया व यूरोप आदि में मानव बस्तियां स्थापित की गई थी। अपने पितृ पुरुष कश्यप के नाम पर ही सागर का नाम कश्यप सागर रखा था, जिसको आजकल अंग्रेजी में कैस्पियन सागर कहते हैं,
और बाइबिल में भी ये उल्लेख आया है कि असुरों का शासन भारत सम्राट होते हुए इथोपिया तक के उनके साम्राज्य में 127 प्रांत थे, ऐसा बाइबिल में उल्लेख है। आगे वैश्व मनवंतर के प्रथम में जो मनुष्य उत्पन्न हुए या जो उनकी संतति हुई वह अति बुद्धिमान व विशिष्ट प्रतिभाशाली रहे थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो बात जिसने जिस प्रकार कही उसको वर्षों बाद भी उसी प्रकार बता देते थे, लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। संस्कृत जैसी सर्वोत्कृष्ट भाषा का उपयोग करते थे। शारीरिक रूप से पूर्ण पुष्ट व 10 से 15 फीट ऊंचाई के होते थे। तेतावेत बाद के युगों में हास को प्राप्त होते गए, ऐसा चरक संहिता में भी उल्लेख है और मनुस्मृति में भी उल्लेख है कि जो सतयुग है उसमें 300 से 400 वर्ष मनुष्य की आयु होती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो रामकालीन भारद्वाज ऋषि 300 वर्ष से अधिक तक जिए थे और महाभारत कालीन जो व्यास ऋषि थे वो 300 वर्ष तक, शांतनु के भाई वाल्मीकि 180 वर्ष तक तथा भीष्म आदि 160 वर्ष तक पूर्ण युवा शक्ति के साथ जिए थे। इसका वर्तमान में भी एक प्रमाण मिलता है कि जो हिमाचल में एक रूप कुंड झील है वहां पे 8 से 10 फीट लंबे कंकाल पाए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं कि जो सृष्टि के प्रथम में मनुष्य हुए थे वो अत्यंत सामर्थ्यशाली थे, शक्तिशाली थे, बुद्धि वाले थे, तभी वो सारे विश्व में फैल पाए और स्थान स्थान पर अपनी बस्तियां बसा पाए। तो हुआ ये कि काफी समय तक कोई राज्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी और सब लोग एक दूसरे को धर्मानुसार ही बरतते थे और वेद की आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन जीते थे। पर जब लोगों के अंदर विवाद आरंभ हो गया तो उस समय जो कश्यप अदिति के पुत्र थे विवस्वान और उनके वंश पुत्र थे मनु, उनको प्रथम राजा बनाया गया। उस समय तक सभी लोग ऋषि देव ऋषि कोटि के ही थे तो मनु को सर्वप्रथम राजा जो है बनाया गया और उनको क्षत्रिय का कार्य दिया गया। और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने पितामह के नाम पर अपना वंश का नाम सूर्य वंश रखा और मनु की पुत्री इला जिसका विवाह चंद्र के पुत्र बुध से हुआ उससे चंद्रवंश चला। इस प्रकार कश्यप वंश परंपरा में मनुष्यों की वृद्धि हुई। और आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो तो या तो अपने को चंद्रवंशीय बताती हैं या सूर्यवंशी बताती हैं और इसी पे ही वो लोग अपना गर्व करते हैं। इसकी चर्चा आगे चलकर भी करेंगे। ये तो डॉक्टर साहब मेरा एक निवेदन है, अगर आप सीधे उस विषय पे आ जाएं जिसमें हम सबकी बड़ी उत्सुकता है जानने को, जिसके ऊपर आपने इतनी मेहनत की है जी, कि कहां कहां इसके हमें देखने को मिलता है किसके सभ्यता में, तो वो थोड़ा समय बच जाएगा क्योंकि लोग चर्चा करने में भी उत्सुक हैं। आपसे बहुत सारी जानकारी बिल्कुल सर, ये इस विषय से अब सीधा उस पर थोड़ा सा बस केवल मैं इन दो श्लोक की आपको जानकारी देके फिर वहीं आता हूं कि देखिए मनुस्मृति में ही दो श्लोक आए हैं और उनमें लिखा है कि पुंडरक ओंड्र द्रविण कंबोज यमन शक पारत पल्लव चीन किरात दरद और शक, ये पहले क्षत्रिय जातियां ही थी। तो हमें जब हम आगे इन जातियों की विस्तार से बात करेंगे तो इस श्लोक का बार बार उपयोग होगा और इसको आप ध्यान में रखें। आगे थोड़ा और आगे, ये एक जो सभी सभ्यताओं में जो आधार तत्व प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये भारतीय सभ्यताएं थी, उसमें एक तो स्वास्तिक चिन्ह है जिसके बारे में अभी आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष जी ने बताया है। स्वास्तिक चिन्ह ब्राह्मी लिपि का ओम शब्द है और भारत के सत्य सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। और दूसरी बात क्या है कि महाराज व्यवस्थ मनु व जल पलावन की घटना सभी प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाती है जो कि भारत में घटित हुई थी। जो भारतीय देवता हैं उनकी सभी प्राचीन सभ्यताओं में मान्यता है, या तो सीधे उसी नाम से हैं या प्रकारांतर से दूसरे नामों से हैं, लेकिन वो सभी देवी देवता हैं जिनका विवरण आगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
और चौथी बात है देव भाषा संस्कृत, इसी से ही निष्पन्न होकर सारी भाषाओं का उदय हुआ है, इसका भी प्रमाण आगे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, जो प्राचीन सभ्यताएं उनके अंदर जो जीवन जीने की पद्धति है वो वैदिक जीवन की पद्धति पाई जाती है, जिससे भी ये प्रतीत होता है, और कि ये सारी सभ्यताएं भारतीय सभ्यताएं थी। आगे तो प्राचीन सभ्यताएं जिनके बारे में आदरणीय ने अभी मुझे इंगित किया, मैं केवल एक एक स्लाइड ही एक एक के संबंध में रखूंगा क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है। अमेरिका के संबंध में, अमेरिका के मेक्सिको में मैं सभ्यता के लोग रहते थे जिनको वर्तमान में माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मैं जाति के लोग भारत से ही गए थे, इसका प्रमाण कश्यप द्वितीय वंश के मयासुर या मैं दानव से मिलता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मयासुर की ही पत्नी मंदोदरी थी जो रावण की पत्नी थी, और मैं नाम के इंजीनियर ने ही पांडवों की राज्यसभा जो है बनाई थी, जो कि विलक्षण थे और ये लोग इंजीनियरिंग में बहुत उत्कृष्ट थे, और ये भारत से ही गए हुए थे। वहां भी ये मैं नाम से ही थे और यहाँ भी ये मैं नाम से ही है। विदेशियों की अगर बात करें तो स्पेन के विद्वान सीनियर विंसेंट लोपाज 1872 की मान्यता है कि पहले लोग आ रहे थे, और इंका निवासी यानी वहां पे एक तो मैं लोग रहते हैं, इंका लोग रहते हैं और अजटेक लोग रहते हैं। तो ये इंका निवासी भारतीयों के समान ही राम सीता उत्सव मनाते रहे हैं, ऐसा वहां प्रमाण हमें प्राप्त होता है। इंका लोगों के भी शिव विष्णु इंद्र तथा सूर्य आदि देवता है। ग्वाटेमाल में भगवान विष्णु को की कुर्मावतार की मूर्ति प्रसिद्ध है, और अमेरिका के म्यूजियम में शिव वाहन मूषक सहित गणेश आदि देवों की मूर्ति रखी हुई है। 1532 के करीब स्पेन के लोगों ने वहां आक्रमण किया था, और वहां आक्रमण करके उनके सभ्यताओं को यथा संभव नष्ट भ्रष्ट किया था, लेकिन फिर भी जो प्रमाण पाए जाते हैं वो मैंने आपके सामने रखे, और इसका विस्तृत प्रमाण आप जो है शोध पत्र में देख सकते हैं। ये होंडुरस में मध्य अमेरिका में घुटनों के बल बैठे हुए हाथ गदा धारण किए हुए हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के और दूसरे चित्र भी वहां मतलब प्रस्तर खंड भी वहां पे मूर्तियां भी पाई जाती हैं, और एक राम की सभा का प्रस्तर भी वहां पर पाया जाता है। अब अफ्रीका द्वीप की बात कर लेते हैं। वायु पुराण में यह उल्लेख है कि कुछ द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और यवन इतिहासकार हेरोडोटस लिखता है कि अफ्रीका खंड में मिस्र के नीचे जो लीबिया देश था उसमें विष्णु के जय स्तंभ थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि राम के पुत्र कुश द्वारा यहाँ पर राज्य किया गया, इसके कारण अफ्रीका के इथियोपिया के राज्य अपने को कुशाइत मानते हैं। सर विलियम जोन्स ने यह कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनु और वाल्मीकि का कुश व्यक्तित्व एक ही भारतीय रेस का था। विद्वान पोकाक महोदय भी ये भाव व्यक्त करते हैं कि इथियोपियन मूलतः भारतीय जाति के थे जिन्हें राज हत्या के कारण भारत से निष्कासित होना पड़ा। तो ये मिश्र देश की बात कर लेते हैं। मिश्र देश की जो सभ्यता है वो अति प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। विद्वान पोकाक महोदय जिन्होंने इंडिया इन ग्रीस ग्रंथ जो है लिखा था 1852 में, और वो बताते हैं कि मिश्र देश के वासी अपने को सूर्यवंशी कहते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। मनु को मेनस के नाम से अपना प्रथम राजा मानते हैं, यानी महाराजा मनु को ही वो अपना प्रथम राजा मानते हैं, और सूर्य के पुत्र हैं, उनका नाम मनु वैवस्व है। मैंने इसीलिए मनु के संबंध में काफी चर्चा आप लोगों के सामने करी, और ये बताने का प्रयास किया कि जो प्राचीन सभ्यता है वो अपने को मनु का वंशज ही मानते हैं।
अलकाट महोदय ने भी ये व्यक्त किया है कि अब से 8000 वर्ष पूर्व भारतीयों ने जाकर एक कॉलोनी बसाई जिसे मिश्र कहते हैं, और ये उन्होंने 1881 में ये ग्रंथ जो है लिखा था उससे मैंने ये उद्धरण प्राप्त किया है। फ्रेंच लेखक लुई जैकलो अपना ग्रंथ भारत में बाइबिल में लिखते हैं कि मिस्र ही समग्रता से भारत की अनुकृति है। मिस्र देश के राजाओं का नाम रोमेसिस अर्थात राम ईसस प्रथम और राम ईसस द्वितीय रखे जाते रहे, जिनसे यह स्पष्ट होता कि ये लोग राम को ही राजा मानते रहे हैं। आगे ये वहां के जो कमल पे उत्पन्न हुआ दिखाया गया है। आगे ये वहां जैसे हमारे यहां सरस्वती है वो वीणा का वादन करती है, तो वहां की जो सरस्वती है वो उल्टे हाथ पे है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो वहां पे इस तरह की सरस्वती दिखाई जाती है जो कि वो भी वीणा का ही वादन कर रही है। आगे मेसोपोटामिया क्षेत्र ये भी काफी प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, और ऐसा माना जाता है जो भारतीय विद्वान बताते हैं कि असुर प्राचीन समय में दजला नदी की ऊपरी घाटी में बस गए थे तथा उन्होंने असुर नाम का एक शहर बसाया जिसे असीरिया कहा जाता था। 626 ईसी पूर्व तक इराक में असुर राजा वाणीपाल का राज्य था। यह सब होते हुए भी उन लोगों की प्रधान राजधानी भारतवर्ष में ही रही थी। मितनी देश की राजधानी का नाम वसुकानी है जिसका अर्थ है धन की कान। इस वंश के सम्राटों के नाम संस्कृत में है, जैसे कीर्ति है सत्वर्ण, व्रतवर्ण, परास्तर, शोस्तर, आर्तवर्ण, पंचम सत्वर्ण, द्वितीय सुमेर, दशरथ सत्वर्ण आदि आदि। तो ये वहां जो है भारतीय लोग गए थे और उन्होंने संस्कृत निष्ठ ही अपने नाम रखे थे। राजा वाणीपाल और असुर वाणीपाल भी भारतीय निष्ठ नाम ही है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पे हित्ती और मितनी लोग भी रहते थे। आगे तो उन लोगों में एक बार जो है संधि हुई मित्री और हित्ती इत्ती लोगों में, और वो अनतोलिया के बोगज गई नामक एक स्थान पे पाई गई और एक विशाल शिलाखंड में उसको उत्कीर्ण किया गया, और उसमें जो संधि की गई उसमें जो साक्षी के रूप में है वो वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते यानी अश्विन को साक्षी के रूप में उल्लिखित किया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन जो लोग थे मितनी और हित्ती वो भी भारतीय ही थे और भारतीय संस्कृति और मान्यताओं को ही मानते थे। और भी दूसरी प्रमाण है जो कि मैं आपके सामने दे सकता हूं, जैसे सुश्री लिंडा जोहनसेन कहते हैं कि वास्तव में हजारों वर्ष पूर्व तुर्की के मितानी निवासी बल्कि देवता इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विन को ही पूजते थे जो कि 3000 BC में प्राचीन भारतीय में पूजे जाते थे। आगे ये वहां स्वास्तिक का चिन्ह पाया गया है जो कि 500 BC का है। आगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, ये राम और हनुमान का इराक के होरन शेखान क्षेत्र में दरबंग ई बेलुला चट्टान में उत्कीर्ण मिला है, और इसके संबंध में योगी जी ने एक कमेटी बनाई है कि जो वहां जाकर इसका और निरीक्षण करेगी और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं कि हाथ में धनुष लिए हुए राम खड़े हैं और नीचे जो है हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो ये वहां की चट्टान पे उत्कीर्ण है इराक में। यूनान प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। भारतीय शास्त्रों में अति प्राचीन समय में स्थान स्थान पर यूनान में रहने वाले यवन लोगों का जिक्र मिलता है। मनु की पुत्री इला से चंद्रवंश चलाता और इसी चंद्रवंश में ययाति नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे, और इन्हीं ययाति के पुत्र तुर्वसु के वंशज यवन हुए। महाभारत में यह प्रमाण मिलता है, ये महाभारत के आदि पर्व के 80वें अध्याय में आता है कि राजा ययाति के पुत्रों में यदु के वंशज से यादव, तुर्वसु के वंश से यवन और दू के वंश से भोज और अनु के वंश से मलेच्छ जाति ने
जन्म लिया, यानी यवन लोग भारतीयों के ही वंशज थे, ये एक प्रमाण है। मनुस्मृति में भी उल्लेख है कि यवन लोग क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के उपदेश न मानने के कारण धीरे धीरे शुद्रता को प्राप्त हो गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सिकंदर आया था वो भी एक यवन था, और अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि चूंकि यवन 326 ईसा पूर्व में आए हैं और महाभारत में भी यवन शब्द है, तो महाभारत को हम इनसे बाधकार रख देते हैं। ये उनकी एक तरफा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दूषित करने का प्रयास था। तो यहाँ ये एक प्रस्तर खंड है जो कि यूनान में पाया गया। इसमें देख रहे हैं कि वहां के लोग जो है वो भारतीय प्रवेश धोती का ही जो है पहन रहे हैं, और नीचे स्वास्तिक चिन्ह आपको लंबे लंबे पाए जाते हैं। ऐसा ही रोम की सभ्यता में भी मिलता है ये। और जो अभी राम सीता और लक्ष्मण का चित्र है जो कि प्रोफेसर आशुतोष जी ने दिखाया था, वो पुणे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और दूसरे भी बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब डॉक्टर रघुवीर अब से 50-60 साल पहले वो भी धोती वगैरह ही पहनते थे, जब यूनान प्रदेश गए तो उन्होंने देखा कि वहां के सब लोग भी धोती ही पहनते हैं और कुर्ता ही पहनते हैं, तो एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वहां समावेश है। और भी विस्तार से अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरे शोध ग्रंथ में आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे यूरोप खंड के बारे में मैं क्या बात कहूं, हमारे मध्य में और हमारे सौभाग्य से मेजर साहब उपलब्ध हैं, और वो तो सीधे सीधे अपनी आंखों से सारी चीज देख के आए हैं, और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो यहाँ की सभ्यता है वो भारतीयों के द्वारा ही आरंभ की गई थी। इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। केल्ट जाति के पुरोहित और धर्म आचार्यों को डुरंड कहा जाता था। डुरंड लोगों तथा भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है। एशियाटिक रिसर्च ग्रंथ में रेवरेंड थॉमस मोरिस 1796 में लिखते हैं कि प्राचीन समाज के अध्ययन में डुरंड लोगों का मूल स्थान एशिया खंडी था। रियूबेन बरो नामक विख्यात खगोल ज्योतिषी पहला व्यक्ति था जिसने डुरंड की दंत कथाएं, उनका समय, मान्यताएं, धारणा आदि का गहन अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि वे भारत से आए हुए दार्शनिक थे। और कमाल की बात देखिएगा कि इतिहासकार हिंगिस महोदय, जिन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी और उसका सब टाइटल ही रख दिया, द डुरंड्स वर द प्रीस्ट ऑफ ओरिएंटल कॉलोनी हु इमर्ज फ्रॉम इंडिया। वो लोग चिल्ला के कह रहे कि जो हमारे पूर्वज थे वो तो भारत से ही आए थे। इसी प्रकार लारा लाम की एक लेखिका हैं, उन्होंने 1880 में लिखती हैं कि सोलोमन के समय से, यानी ईसा पूर्व सन 1015 में, अलेक्जेंडर के समय ईसा पूर्व 324 में भी संस्कृत बोली जाती थी। तो ये प्रमाण मैंने विदेशियों के ही दिए हैं आपके सामने, जो खुद कह रहे हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो भारतीयों द्वारा ही आबाद की गई थी। आगे ये एक चित्र है, अगर आप इसको लैपटॉप पे हैं तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक आप देख पा रहे होंगे सौरभ, ये स्वास्तिक को बता दीजिए पीछे। हाँ, ये स्वास्तिक है, ये पांच है स्वास्तिक, 1 2 3 4 है स्वास्तिक। तो ये स्वास्तिक चिन्ह युक्त तो विषप महोदय हैं जो कि अपने मुकुट में उनको उसको धारण किए हुए हैं। ये एक आपको आश्चर्यचकित बात जो है लगेगी, कितना भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार था, और लोग बाग किसी मत के भी हो जाएं तो भी वो अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं भूलते थे। आगे ये आप फिर एक ऐसा आ गया कि वहां के लोग भी जो है धोती ही पहनते थे, और ऊपर आप देख रहे होंगे कि चोटी भी रखे हुए हैं और नीचे स्वास्तिक चिन्ह आपको लगातार दिख रहे होंगे। आगे अरब द्वीप के संबंध में मैं केवल दो चीज ही आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो विद्वान हुए हैं अब्दुल्ला याकूब खान, उन्होंने 1939-40 में एक
पुस्तक है न्यू इंडियन एंटीक्विटी, उसके वॉल्यूम 2 में एक भाग जो है लिखा है, और उस भाग में वो ये बताते हैं कि हिंदुओं की एक शाखा जो पिंगाक्ष यानी पीतवर्ण हिंदू कहलाती थी वह, और दूसरा प्रसिद्ध समूह जिसे राधा मांतुस जाना जाता था अरेबिया में राज करता रहा। संभवतः इनमें से बहुत से साहसी हिंदू समूह पूर्वी किनारे जिसमें अदन भी शामिल है वहां बस गए थे। इसका प्रमाण अदन का अंबा भवानी मंदिर है जो कि प्राचीन स्मारकों में महत्वपूर्ण माना जाता रहा। पिंगाक्ष, राधा मानुस व सांचा दीप, ये तीनों समूह श्रद्धा से समानता के कारण अदन का अंबा भवानी मंदिर पुरातन व महत्वपूर्ण बना रहा। वो खुद मान रहे हैं कि जो हिंदू लोग थे उसका जो राधा मानतो समूह था वो अरेबिया में आया और वो राज्य करता रहा। विलफोर्ड एक विदेशी विद्वान हुए हैं, वो भी कहते हैं कि पिंगाक्ष पीले रंग के हिंदू ही हैं जो राधा मानतुस इन्हीं के वंशज हैं। वह ये भी बताते हैं कि यमन में पांचेड़ नामक जनजाति भारतीय मानी जाती है। यमन क्षेत्र के बहुत से प्राचीन भौगोलिक स्थानों के नाम संस्कृत में हैं और बहुत से नाम भारत में पाए जाते हैं। अब मैं एक और छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि पीले रंग के या पीतवर्ण रंग के या स्वर्ण रंग के ही भारतीय होते थे। इसको मैंने बहुत खोज किया तो मालूम किया कि जो युधिष्ठिर है वो पीत और स्वर्ण रंग के ही थे। इसका जो है वर्णन आपको महाभारत में मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा जब वो धृतराष्ट्र से वन में मिलने गए थे। एक लवी बिन अक्तब बिन तुरफा हुए हैं जो कि ईसा से लगभग 1700 और 1800 वर्ष पूर्व हुए। उन्होंने एक गजल लिखी है जो कि अब प्राप्त हुई है, और उसमें वेदों की बहुत भारी प्रशंसा की गई है, और उसमें यह भी कहा गया कि हमारा कब सौभाग्य होगा कि हम भारत में जाएंगे और वहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा और भी दूसरे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत की प्रशंसा की है, इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। आदरणीय आशुतोष जी अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं तीन तीन चार चार देश एक एक बार में आप लोगों के सामने रखूंगा, और भी अधिक प्रमाण के साथ और भी अधिक जानकारी के साथ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। जी आ गए। ये एक आप देवी देख रहे हैं, ये आलात है, और इसके हाथ में आप देख रहे हैं कि ये गेहूं की बाली है, और ये शेर नीचे बैठा हुआ है, और आप देख रहे हैं ये जो सीधे हाथ से जैसे भारतीय देवियां आशीर्वाद देती हैं वैसा ही ये आशीर्वाद देती है। ये प्रस्तर खंड अरब क्षेत्र में पाया गया है। अगला, ये वहां की तीन देवियां हैं जो प्री इस्लामिक देवियां हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि बाकी दो के हाथ तो तोड़ दिए गए हैं, पर एक का हाथ अभी भी है, और वो भी भारतीय ढंग की ही वेशभूषा में है, वैसी ही साड़ी पहने हुए है और सीधे हाथ से सबको आशीर्वाद दे रही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पे भारतीय संस्कृति ही थी। आगे, ईरान देश के बारे में क्या कहें, वहां तो 1969 से पूर्व ये पढ़ाया जाता था कि चंद हजार साल पेश जमाना मजीरा बुजुर्गी, इसका हिंदी अर्थ ये है, भाव ये है कि हम लोग कुछ हजार साल पहले आर्य लोग हिमालय से उतरकर यहाँ आए और यहाँ की जलवायु अनुकूल जानकर बस गए, और वो जो रजा शाह पहलवी थे वो भी अपने नाम के सामने आर्य मिहिर की उपाधि लगाते थे, यानी आर्यों के भी वो सूर्य है, और जो वहां की प्राचीन सभ्यता थी पारसी सभ्यता, उनके जो ग्रंथ हैं वो भी भारतीय ग्रंथों के ही समकक्ष हैं, और वहां पर जो नाम पाए जाते हैं वो भी संस्कृत निष्ठी नाम है, विशेष आप शोध ग्रंथ में पा सकते हैं। आगे, ये वहां एक बहुत प्राचीन प्रस्तर खंड पाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ओम का वो स्वास्तिक का चिन्ह है। आगे, ये वहां पे एक अनहिता नाम की एक देवी है, आप देख पा रहे हैं कि वो शेर पे है और सभी शस्त्र उसने धारण किए हुए हैं, वो भारतीय दुर्गा के समान ही है,
और वो जो भारतीय दुर्गा है उसको वहां पे प्रकारांतर से इस रूप में पूजा जाता रहा। जी आगे मोहन जोड़ दो कि जो हड़प्पा की सभ्यता है उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पर जो एक सील पाई गई है जिसमें वेद के एक मंत्र का ही निरूपण है और उसी निरूपण से ये सिद्ध होता है कि ये भारतीय सभ्यता ही थी। और वहां पर करीबन 20 वर्षों तक जो हमारे एक भारतीय विद्वान शोध करते रहे और उन्होंने 20 वर्ष के साथ जो उनकी 30 लोगों की कमेटी थी उन्होंने ये कहा था कि ये भारतीय सभ्यता ही है। वैसे भी वहां पर अगर हम उनके काल की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे महाभारत युद्ध के समय यानी ईसा से लगभग 3138 वर्ष पूर्व भारतीय राजा ही रहते थे, जयद्रथ जो है सिंधु नरेश वहां का माना जाता था। आगे मोहन जोड़दो में एक तीन मुख वाले शिव की आकृति मिली है जो कि शिव जी के ही समान है और ये मंत्र के बारे में मैंने कहा था ऋग्वेद का मंत्र है। आगे इसमें ईश्वर जीव आगे थोड़ा सा इसमें ईश्वर जीव और प्रकृति की व्याख्या की गई है जिसमें जो जीव है वो फल खा रहा है और ईश्वर केवल देख रहा है और प्रकृति रूपी पेड़ पे दोनों बैठे हुए हैं। आगे ये वहां पे जो शिव जी की मूर्ति पाई है इसको ये भारतीय मूर्ति से समानता मैंने आपके सामने रखी है। जी आगे स्वास्तिक चिन्ह भी वहां पर पाए गए हैं। आगे चीन देश तो हमारे बिल्कुल पास का ही क्षेत्र है और जो आर्यभट्ट के प्रारंभिक काल में कुछ लोग पतित होकर नीचे दर्जे के हो गए और हिमालय से नीचे चीना गहराई में जब से महाराज मनु के चंद्रवंश के में ययाति के पुत्र यदु हुए हैं उनके एक पुत्र है नाम के हुए हैं जिनको चीनी लोग ययु नाम से अपना पूर्वज मानते हैं। कर्नल जेम्स स्टार्ट भी कहते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में भारत के मोलुची राज्य का आहायु नामक राजकुमार यूनान प्रांत में आया और इसके पुत्र का नाम तीब होंगे था, उसके 9 पुत्र हुए, उन्हीं की संतति विस्तार से समस्त चीनियों की वृद्धि हुई। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बताता चलूं, महाभारत युद्ध में वह चीन के लोग आए थे और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को जब वो राजा बने थे तो भेंट दी थी और उसके बाद वो जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में भी लड़ने आए थे। एक तरह से चीन सदैव भारत का ही अंग रहा है। आगे और मनुस्मृति में तो ये बताया ही गया है कि चीनी लोग जो थे वो जो है पहले क्षत्रिय ही थे और ज्ञान ने ग्रहण करने के कारण वो पतित हो गए और इसी की जो प्रमाण हमारे महाभारत की शांति पर्व में भी मिलता है। आगे ये वहां कृष्ण जी मिले हैं एक प्रस्तर खंड में जो कि बांसुरी बजाते हुए हैं। आगे वहां स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है, ये कुछ ही नमूने मैं आपके सामने पेश कर पा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। आगे मंगोलिया देश में जो वहां का राजा रहा है चिंगिस कगान जिसको अंग्रेजी में कह दिया गया चंगेज खान, वो किरात जाति का था और किरात लोग भारत से ही गए थे और वो भारतीय ही थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो शिव का भक्त था, उसके मरने के उपरांत भी उसकी जो समाधि पे शिव का त्रिशूल आज भी लगा हुआ है। आगे चलिएगा और आगे समय कम है। ये देखिए ये शिव का त्रिशूल आप देख सकते हैं और उसकी समाधि पे और जो उस समाधि तक जाने वाला गेट है उसमें भी शिव का त्रिशूल अंकित है। आगे ये शिव का त्रिशूल है। और मंगोलिया की खास बात यह है कि वहां पे भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता और गंगा की रेती गंगा का जल की बहुत मान्यता है। जो लोग भी गंगा का जल और गंगा की रेती लेकर जाते हैं वहां के लोग लाइन लगाकर उनको प्राप्त करते हैं और भारत की जो है प्रशंसा करते हैं और वहां पर जितने भी
प्राचीन मंदिर और स्थान है, उनके पुजारियों को संस्कृत सीखना बहुत आवश्यक होता है। आगे जापान, मेरे प्रस्तुति का आखिरी है। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि जापान में जो जाति निवास करती है वे चीन से ही जाकर वहां बसी, क्योंकि दोनों की भाषा आदि में बहुत अंतर नहीं है, और वहां की जो मूल निवासी जाति है वो एन्यू के नाम से जानी जाती है, और एन्यू लोग अब तक प्राचीन ऋषियों के वेश में रहते हैं, अर्थात दाढ़ी और केश नहीं निकालते हैं, और एन्यू लोगों को प्रस्तुत जापान की स्त्रियों में भारतीयपन का होना, पुरुषों का छात्र धर्म आदि बातें एक स्वर में कहते हैं कि जापानी आर्यों के ही वंशज थे, और वहां जो सभी भारतीय देवी देवता हैं वो प्रकार अंतर से माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। आगे ये देखिएगा, वहां पे ऊपर की जो लिस्ट है वहां पे जो है, वहां जो देवी देवता पाए जाते हैं वो हैं, और नीचे की तरफ जो भारत में देवी देवता पाए जाते हैं वो हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो सभी लगभग समान रूप से ही वहां पे इनको पाया जाता है, और उनके नाम के सामने 10 और लगा रहता है। तो ये वहां सभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के देवी देवता मिलते हैं। आगे ये गणेश जी की प्रतिमाएं हैं जो वहां प्रकार अंतर से रखी हुई है, इसमें कुबेर भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो आगे विशाल शिवलिंग वहां पर प्राचीन काल से रखा गया है जो कि पाया जाता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं कम से कम समय में आपके सामने बात रख सकूं। जहां तक पूर्वी प्रदेश की बात है, ब्रह्मा है, जावा है, सुमात्रा है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये तो 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारतीय राज्यों के ही अंग रहे थे, भारतीय संस्कृति की ही यहाँ पर चर्चा होती रही थी, सारी मान्यताएं भारतीयों के अनुसार ही हैं, वहां के जितने भी मठ और मंदिर हैं वहां पर भारतीय देवी देवताओं की पूजा होती है। इस्लाम का शासन आने के बावजूद भी वहां के लोगों ने अभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ा है, उसी को ही मानते हैं। कंबोडिया का जो ओंकारवाट मंदिर है वो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहां पे रामायण और महाभारत के जो युद्ध के वर्णन है वो वहां पे प्रस्तर खंडों में उत्कीर्ण है। काफी समय हो गया, मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उन सबका जो हमारे सदैव साथी रहे हैं, हमारे शुभचिंतक रहे हैं, और सदैव जहां जहां भी मैं अपनी बात रखता रहा हूं वो आते रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस रूप में आपने इतनी मेहनत की है, इतना समय अपना दिया है और अपना जीवन इसके लिए आपने लगा दिया है, मैं समझ सकता हूं कि कितना परिश्रम इसमें लगा होगा, कितनी साधना लगी होगी, मैं उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वस्तुतः यही बातें हैं जो हमारा नया नैरेटिव सेट करेंगी। अभी तक का जो नैरेटिव इतिहासकारों ने हमारे सामने रखा है उसको चुनौती देने के लिए हमें इस सारे विषय को मैं बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्रूर शब्द बल्कि, कठोर भी नहीं है, क्रूर, की इस सारे ज्ञान को हम किस तरह से वेपन और शील्ड के रूप में यूज करें, ये मेरी अब चिंता का विषय है। आपने इतनी मेहनत करके हमारे लिए ये ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए ये हमारा विचार का विषय है। तो लेकिन वो अलग एक संदर्भ हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सारे विषय के ऊपर जो हमारे बीच में मध्य में एक्सपर्ट के रूप में जिनको सादर आमंत्रित मैंने विशेष रूप से किया है, आपकी भी उनसे बात हो चुकी है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेजर सुरेंद्र जी जो हैं, एसएन माथुर साहब, वो अपनी बात इसके ऊपर टिप्पणी अवश्य करें, और फिर उसके बाद डॉक्टर रवि जी और बाकी सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, अविनाश श्रीवास्तव जी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी और सभी साथी,
तो सर आपकी सबसे पहले संक्षिप्त, क्योंकि समय की सीमा है थोड़ी सी, तो हम बात सटीक और संक्षेप में। जी सर। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी, और मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना सुंदर कार्य आपने करा है, इसमें कितनी मेहनत लगी होगी वो मैं समझ सकता हूँ, और आपके शोध कार्य को हम निश्चित रूप से उसका उपयोग करेंगे। आपने बहुत विस्तार से बताया, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कोई वेदिक ज्ञाता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इतिहासकार हूँ, लेकिन हम जमीन पे काम करते हैं। हमने जो शोध कार्य शुरू करा है वो जमीन से शुरू किया, और उससे हमें जो परिणाम मिले वो बहुत अच्छे, और इसमें डॉक्टर अखिलेश जी का जो शोध कार्य है उससे हमें बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आगे हमारे काम को बढ़ाने में हम उसका उपयोग लेंगे। तो हम अनेक देशों में काम करते हैं, जैसे कि आयरलैंड में काम करते हैं, ब्रिटेन में काम करते हैं, फ्रांस में काम करते हैं, पुर्तगाल में करते हैं, स्पेन में करते हैं, और नेदरलैंड में करते हैं, लेटविया में, लिथुएनिया में, हंगरी में, आर्मेनिया में, टर्की में, ईरान के अंदर, और इधर ग्रीस में काम करते हैं, और उधर रोम में काम करते हैं। वैसे ही हम अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमारी कार्य पद्धति जरा सी भिन्न है। हम पहले वहां के धर्म गुरु से संपर्क करते हैं, और उन धर्म गुरु से संपर्क करके उनके द्वारा दिया गया जो हमें हमें ज्ञान मिलता है उसको हम हमारे धार्मिक ग्रंथों से जोड़ते हैं, तो वो देश हमसे जुड़ जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो शोध कार्य था वो हमने ब्रिटेन से शुरू किया था, फ्रांस से शुरू किया था, और ये हमें बाद में पता लगा, उन्होंने ही बताया, और आयरलैंड में भी शुरू किया कि ये सभी भगवान परशुराम के समय के गए लोग, आज भी भगवान परशुराम को पूजते हैं वहां पर। ब्रिटेन के शासक भी हिंदू थे, ये मैंने मेरी जो पुस्तक पहली लिखी है उसमें मैंने उसका सारा मैंने प्रूफ दिया है। तो ये अधिकांश लोग भगवान परशुराम से समय के गए हुए लोग हैं। लिथुएनिया, लेटविया, इस पे भी हमने बहुत काम किया है। लिथुएनिया के एम्बेसडर ने तो हमें सम्मान भी किया है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से, उनकी भाषा संस्कृत है, और इसी तरह हंगरी है, रोमेनिया है, जिसको ट्रांसिल्वेनिया कहते हैं, वो कहते हैं हम चौहान राजपूत हैं। इधर आप टर्की में आ जाए तो येजदीज हैं, और वो तो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को पूछते हैं, वो टर्की का भाग है। और इधर आप ग्रीस में आ जाए तो हेलीन्स हैं, आप अगर रोम में चले जाए तो पिताज हैं। तो इन सारे लोगों के बीच में हमने काम किया है, और ये लोग अब भारत में हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, और जो भी वो ज्ञान देते हैं हम उसको हमारे धर्म ग्रंथों में खोजते हैं, और समानता हमको मिल जाती है। तो ब्रिटेन, आयरलैंड, वहाँ के जो पुराने लोग थे, जो ब्रिटेन के शासक थे, उनके वो हमारे सारे देवी देवताओं को आज भी पूजते हैं, उनके त्योहार हमारे त्योहार मिल रहे हैं। तो ये मैंने खाली संक्षेप में बताया, और मैं इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता कि विषय बहुत लंबा हो जाएगा, कि हमें ये जो शोध है इसका लाभ हमारे देश को कैसे मिले। जैसे जो हमने लिथुएनिया पे काम किया तो वहां की गुरु माता जो है, जो अब गुरु माता है, पहले उनके पति गुरु थे, वो तो खुलकर के भारत में बोलती है कि भारत हमारी पुण्य भूमि है, हमारी दूसरी मातृभूमि है। इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और इतना ही नहीं, फिर जब सरकार ने भी सहयोग किया, तो छोटा सा देश होते हुए किसी जमाने में बहुत विशाल देश था, तो उसका फायदा ये हुआ कि जब हमने सरकार को बताया तो फिर वहां पर एक छोटे से देश में भी सरकार ने अपनी एम्बेसी खोल दी, और पहला राजदूत भी वहां पोस्ट हो गया। तो ये ग्राउंड वर्क हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि ग्राउंड पे हम उस पूरे देश को कैसे जोड़ लें।
अगर हमें ये उपलब्धि मिल जाती है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। तो मैं केवल यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये सारे धर्म गुरु भारत आते रहते हैं, आप हमसे जुड़िए, आप उनमें से किसी को बुलाना चाहते हैं तो हम उनको आपके पास लेके आएंगे, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल जब वो आए आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर कराइए, आप उनसे मिलिए, हम उनको परिवारों में रुकाते हैं, उसमें भी कोई खर्चा नहीं आता है। यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर गए तो भी कोई खर्चा नहीं होगा, स्थानीय आने जाने के लिए कुछ खर्चा आता है। आप हमसे जुड़ जाइए और जो भी इन जो कुछ भी मैंने बताया, मैंने कहा अमेरिका में भी हम काम कर रहे हैं, कनाडा में भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, तो ये इतना गजब का इतिहास है कि हमको लग रहा है कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम कैसे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे जी। तो यही निवेदन है कि जो लोग भी आप में से हमारे शोध से जुड़ना चाहते हैं, और जैसे आज अखिलेश जी का ये कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम और गहराई से जाते हैं और जब हम उनको बताते हैं कि देखिए हमारे ग्रंथों में ये दिया हुआ है, वहां हम अखिलेश जी का रेफरेंस देने वाले हैं कि देखिए अखिलेश जी के इस शोध में हमें ये मिला। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया ऋषि कश्यप का, तो ऋषि कश्यप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ऋषि कश्यप कौन, उनकी पत्नी दानु, तो वहां दानु नदी है, यूरोप में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर जो है दानु नदी है, और पूरा यूरोप का कल्चर दानुबी कल्चर कहलाता है, और ऋषि कश्यप कौन थे, जब भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए तो उन्होंने 21 बार जो विश्व विजय करे थे, जितने राज्य उन्होंने जीते थे वो ऋषि कश्यप को सौंप के चले आए, तो उसका सारा प्रभाव है वहां पर, और वो लोग सब जानते हैं, हमसे ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, हमसे ज्यादा वो गहन अध्ययन करते हैं, उनको बहुत कुछ पता है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आशुतोष जी का और डॉक्टर अखिलेश जी का, विशेषकर ये बहुत अद्भुत कार्य हुआ है और इसका हम उपयोग पूरा पूरा लेंगे। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है और कोई भी धर्म गुरु आना आते हैं, हम उसकी सूचना देंगे, आप में से जो चाहते हैं आप लेक्चर कराइए, उनको बुलाइए, वो बहुत सिंपल लोग हैं, घरों में रखते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति क्या है वो भी उनको पता लगती है, तो इस तरह से हम काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ आशुतोष जी का और डॉक्टर अखिलेश जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर, वाकई आपने इसमें एक और नया पक्ष खोल दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर जरूर प्रेषित कर दें, ताकि जो लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे वो आपका नंबर लेकर के आपसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे खुद ये ध्यान है कि मैं जब एक लेक्चर ऐसे ही अटेंड कर रहा था, तो इटली के जो एक धर्म गुरु थे उनका लेक्चर अटेंड कर रहा था, जो कि अग्नि उपासक थे, और उनसे ये मुझे ज्ञान हुआ कि वहां पर चर्च ने किस तरह से इन सब चीजों को दबा दिया, जो जितने लोकल धर्म थे वहां के, किस तरह से उन मान्यताओं को नष्ट कर दिया गया और दबा दिया गया, लेकिन फिर भी किसी तरह से गुप्त रूप में वो परंपराएं अभी भी उन्होंने जीवित रखी हुई है। तो निश्चित रूप से उन सबको हम लेंगे, लेकिन समय के ध्यान रखते हुए डॉक्टर रवि जी इस वक्त यूएसए से जुड़े हुए हैं आधी रात के समय पे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपने बात हमारे साथ साझी करें। उसके बाद डॉक्टर इंदु जी, जी सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, गजब के विद्वान आज जुड़े हुए हैं, और उसमें सर्टनली डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी और अभी डॉक्टर मिस्टर कर्नल माथुर साहब बहुत जुड़े हुए हैं। उनका उनकी संस्था का अगर नाम या उनका ईमेल मिलेगा तो हम उनसे संपर्क करेंगे। मेरे दो तीन चार मैं उन बातों पर ध्यान लाना चाहता हूँ जो कि अभी बाकी रह गए। जो आपने कहा वो तो अद्भुत है ही, और कई सवाल मेरे दिमाग में थे, उनमें आज मैंने थोड़ा सा प्रकाश पाया है आपके कारण से अखिलेश जी। सबसे पहले जब मैं मेरी एमएससी कर रहा था बंबई में, 1961 की बात कर रहा हूँ आपसे, तब एक दो ये
स्वीडन के या नेदरलैंड्स के, भूल गया हूँ, दो विद्वान थे, एरिक वॉन डेनिकन करके थे, उन्होंने मायन सभ्यता से भारतीय सभ्यता को जोड़ने में मायन ग्लिफ्स का यूज करके एक पुस्तक लिखी। आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान हो तो डॉक्टर अखिलेश जी एक और आपकी रेफरेंसेस में जोड़ने लायक किताब होगी अगर वो मिल जाए तो। तो मैं ये जानना चाहता था आज कि वो कंपैरिजन संस्कृत से या अपनी भाषाओं से जो उन्होंने उन ग्लिप्स का किया था, उसका आज क्या स्टेटस है। दूसरा सवाल, इसी तरह जो इजिप्ट में ग्लिप्स मिलते हैं, आपने रेमिसेज और राम का संबंध जोड़ा, वो बहुत बढ़िया बात है, पर वहां जो ग्लिप्स मिलते हैं उनसे हमारी भाषा का क्या ताल्लुक है, और दूसरा ब्राह्मी लिपि का इन दोनों चीजों से क्या ताल्लुक है। आज हम 30 वर्ष बाद बात कर रहे हैं, करीब अंदाज से 20 वर्ष बाद, जबकि हमारे बीच में राजस्थान के राज्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के डायरेक्टर डॉक्टर पीलीभीत के राजा, आप लोगों के यूपी एरिया के पीलीभीत के राजा डॉक्टर फतेह सिंह चौहान अब नहीं है हमारे बीच में, उनके बेटे तो अभी जीवित हैं लेकिन वो नहीं है, वो और बेटी भी है, बेटी संस्कृत की विद्वान है, वो कुछ कह सकती है, लेकिन जो ज्ञान उनका वेद और ब्राह्मी पर था वो अद्भुत था। और ब्राह्मी का अगर आपने उनका काम नहीं देखा है तो वो भी देखने योग्य है, लेकिन उसको भारत सरकार ने पब्लिश, वो आर्य द्रविड वाला जो उस समय का संदर्भ था उसमें रोक दिया था उनका काम जी। लेकिन अब शायद वापस हम लोग खोल सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है रिसर्च में। तो एक तो ये बातें हो गई। मैंने आप सब लोगों की बातों में एब्सेंस देखी है जर्मनी की, जिसको मैं भारतीय सभ्यता का आज का गढ़ मानता हूँ। दूसरा, आपने रशिया से और रशियन लैंग्वेज से संस्कृत का संबंध भी नहीं बताया। ये कुछ कमियां मेरे ध्यान में आई, जो मेरी नॉलेज में जो गैप था वो मैंने आपको अभी प्रस्तुत कर दिया। इस पर आप विचार कीजिएगा, और अभी भी कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। लास्ट बात एक वर्ड कह के बंद कर रहा हूँ, ये स्वस्तिक साइन है, कई बार उल्टा भी बताया जाता है, कई बार सीधा भी बताया जाता है। तो मैंने डॉक्टर कपूर, जो कि अपने हरियाणा के जज हैं, जो कि मैथमेटिक्स के अपने पूरी शंकराचार्य की पद्धति से वैदिक मैथमेटिक्स के पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने 200 के करीब पब्लिश्ड वर्क्स अपने किए हैं वैदिक मैथमेटिक्स को, उनके हिसाब से ये जो स्वस्तिक साइन है ये फिफ्थ डायमेंशन है। पहला डायमेंशन 0 से बिंदु, 1 से लाइन, 2 से एरिया, 3 से वॉल्यूम, चौथा क्या है, चौथा एक है टेसरेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में उसे, चौथा है वो ब्रह्मा के मुख है, और पांचवा जो है ये स्वस्तिक। ये सारे ही ओम के प्रतीक है, सात तक जाते हैं ये चिन्ह, और इनमें आप यहाँ पर तो स्वास्तिक बता ही रहे हैं, पर कहीं कहीं पर आप ये चतुर्मुखी ब्रह्मा आदि का भी मिलेगा। तो एक तो ये बताएं कि कहीं उल्टा कहीं सीधा क्यों मिलता है, पर पांचवें डिमेंशन में तो ये सीधा ही है, जैसा कि अपने स्वस्तिक बनाते हैं वो। अब मैं चुप हो जाता हूँ, मेरे और भी प्रश्न है लेकिन अभी, और मैं माथुर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये मुझे नहीं मालूम था कि ईस्टर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों में भी इतना काम होता है, और मंगोलिया का आपने बहुत ही अद्भुत बताया है, गजब की बात है, क्या कनेक्शन है, बुद्ध के बाद का है या पहले का, ये जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर। आपसे निवेदन है कि आप आपका संपर्क के लिए ईमेल आईडी या फोन नंबर दे दीजिएगा, तो आपसे संपर्क में रहेंगे हम लोग जरूर। अभी आप लोग अपना नाम नंबर जरूर साझा कर लें, क्योंकि ये मौका है, फिर मुश्किल होती है, संपर्क में रहेंगे तो और बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल जी,
आदरणीय रवि शर्मा साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जो जो मुझे मार्गदर्शन दिए हैं मैं उनका सदैव ध्यान रखूंगा। वास्तविक बात यह है कि ये शोध तो मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी के लिए एक प्रारंभिक है और इसमें बहुत अधिक शोध किया जाना आवश्यक है, और रशिया भी है और जैसा कि आदरणीय मेजर साहब ने कहा था और दूसरे देश भी हैं, उनका विस्तार से किया जाना बाकी है और इन सब पे हम सब लोग कोशिश करेंगे। और शर्मा जी का लेक्चर आने वाला भी था जी, आगे इसमें और भी विस्तार से होंगे। भारत सरकार को चाहिए कि वो एक अलग से इस विभाग को जो है खोले और वहां पे नव युवक और कुछ अनुभवी लोगों को भी रखे ताकि ये कार्य सारे विश्व में अच्छी प्रकार से चलाया जा सके। जी, बहुत बहुत आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आप अपने को विद्यार्थी ना कहें, मैंने आपके लिए शब्द प्रयोग किया था साधक, ये साधना का पक्ष है। विद्यारंभम करिष्यामि सरस्वति नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवति मे सदा। तो ये तो विद्यार्थी तो पहला लक्षण है और अंतिम लक्षण है, उससे ऊपर कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू आशुतोष जी, हमारे लिए भी ये ऋषि तुल्य स्कॉलर है। डॉक्टर राजेश्वरी व्यास जी और उसके बाद डॉक्टर इंदु राजेश्वरी जी, प्लीज अपने को अनम्यूट करें मैडम। नहीं है तो तब तक इंदु शर्मा जी बहुत संक्षेप में सटीक मैडम बात जी। सर संक्षेप में बोलूंगी और सभी को प्रणाम। मैं ना इस आपकी वार्ता सुन के और ये समझ में आया कि भ्रमणशीलता से अच्छा ज्ञान मिलता है, और वैसे मेरा तो पुस्तकीय ज्ञान है, और जो आपकी सुनी उससे तो लगा खगोलीय जो दृष्टिकोण है वो संस्कृतियों को यहाँ से वहां ले जाने में बहुत सहायक होता है। तो मैंने वैदिक सुंदरी कभी पढ़ी थी, पुस्तकीय ज्ञान के हिसाब से बता रही हूँ। तो उसमें जो प्लेटलेट्स खिसक के ऑस्ट्रेलिया की तरफ गई तो संस्कृतियां भी चली गई है ना, तो वहां पर जो हर धर्म में देखा जाता है चांद सूरज से ही है ना वो तिथियां निर्धारित करते हैं, और वहां पे जो वैदिक वल्लरी में जो प्राचीन जो नाम बताए गए स्थानों के वहां पर वो आपस में मिलते भी हैं और वहां के फेस्टिवल भी मिलते हैं, उनको मनाने का तरीका भी मिलता है, मैंने उसमें पढ़ा था। और दूसरा जो ये स्वास्तिक का चिन्ह है एक खगोलीय जो दृष्टिकोण से जैसे अपने आकाश मंडल को साधता है तो उसमें तो पूरा विश्व ही सदा हुआ है, तो उसके अंदर वो स्वास्तिक का चिन्ह ही मान्यता है अपने धर्म में और वेदों के अंदर। और जिस तरह से ऋषि वहां पर स्थापित है सप्त ऋषि जो कभी अपनी दिशा बदलते नहीं कुछ स्टार नहीं बदलते हैं, वो स्वास्तिक बनाते हैं, तो ये शायद सारे विश्व में ये चीज स्थापित हो गई और मान्यता हो गई। इस मान्यता को कहाँ से प्रमाणिकता मिली, भारत से मिली या कहाँ से मिली? मुझे अंदाजा है भारत के ऋषियों ने जो खोजा होगा क्योंकि वो नक्षत्रों से ही चला करते थे, यात्रा किया करते थे। तो खगोलीय दृष्टि से ये चीजें संस्कृति एक दूसरी जगह से मतलब प्रसारित होती है और वहां पर पनपती है। और दो चीज मैंने ना उसमें भी देखी वास्तुशास्त्र के अंदर है ना कि वो जिसमें वो मूर्ति कला के अंदर जिसमें है ना एक तो लक्ष्मी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जो जैसे अपने गणेश स्थापित होता है वैसे वहां पर लक्ष्मी स्थापित होती है। और दूसरी एक जगह जैसे वो जगदीश जी की जो लकड़ी की तीन मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनती है, वैसी अमेरिका में किसी सिटी के अंदर वो खुदाई में बहुत सारी प्राप्त हुई है, और वहां पर ऐसी कृष्ण की मूर्तियां तीन सुभद्रा कृष्ण बलराम जो मिले हैं वो मैंने कहीं पढ़ा देखा वो भी मैंने डिजिटल पर ही। तो ये भी एक आश्चर्य है। इस सूचना को हमारे साथ जरूर साझा करें, अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता है तो डॉक्टर साहब ध्यान में जरूर लाएं ताकि वो अपने शोध में इसको सम्मिलित कर सकें। धन्यवाद। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी जो मैं देखती रहती हूँ खोजी प्रवृत्ति से। धन्यवाद सभी को प्रणाम। डॉक्टर राजेश्वरी व्यास मैडम अपने को अनम्यूट कर लीजिए और उसके बाद डॉक्टर आर के गुप्ता जी। राजेश्वरी जी नहीं कुछ
अभी तक अनम्यूट किया, आर के गुप्ता जी, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर दीक्षिता जी भी कोई ना कोई इसके ऊपर अपनी बात जरूर सांझी करें हमारे साथ। हाँ, रमेश वर्मा जी भी। जी गुप्ता जी प्लीज। आज तो जी पहले तो क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ मजबूरी रही मेरी आज कि मैं सुन नहीं पाया, केवल आखिर वक्ता को केवल 2 मिनट ही सुन पाया, तो इसलिए उनके वक्तव्यों पर तो कोई मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है इस समय। आप केवल इस जो विषय आपने लिया है इसके संदर्भ में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप देखें कि क्या ये संभव है कि हम विदेशों में तो अपने भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में जी। क्या भारतीय सभ्यता का वर्णन है, नंबर एक। दूसरा, क्या जो हमारा संविधान बना है उसमें उसका परिलक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और तीसरा, वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या हमारी जो स्वतंत्र भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई है, क्या वह भारतीय सभ्यता के अनुरूप विकसित हुई है अथवा उसमें कोई कमियां हैं, और यदि कमी है तो क्या उसकी ओर हम दृष्टिपात भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि अनेक भ्रांतियां अवश्य उत्पन्न हुई हैं जो शास्त्रों में तो नहीं है लेकिन व्यवहार में पाई जा रही हैं। तो शास्त्रीय और व्यवहारिक दृष्टि से जो अंतर आ रहे हैं इनके ऊपर भी यदि हम कोई परिचर्चा रखें तो बेहतर होगा। हाँ नहीं, डॉक्टर साहब इसके ऊपर रखी हुई है चर्चा, निकट भविष्य में हम लेंगे कि व्हाट इज भारतीय एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस पर हमने चर्चा रखी है और उसमें इन बिंदुओं को जरूर टेकअप करेंगे। जी प्रोफेसर रमेश वर्मा जी। नमस्कार, आई होप आई एम ऑडिबल। बहुत अच्छी जानकारी के लिए वक्ता डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, आभार, धन्यवाद। और साथ ही सुरेंद्र माथुर जी से इतने अच्छी बात सुनने के बाद थोड़ा मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है कि हम चुप नहीं बैठ रहे हैं, सिर्फ यह कि कितना इसको प्रकट कर पा रहे हैं। तो इस आभार के साथ ही, क्योंकि समय की कमी है, मैं दो चार छोटे छोटे से प्रश्न और दो चार कमेंट्स भी हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, आपने ये जैसे अखिलेश जी ने बोला है कि ईश्वर ने चारों वेदों की रचना की, बट हमें ये भी सुनने में आता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने वेद एक थे उसको चार हिस्सों में विभक्त किया, एक तो ये छोटी सी क्वेरी है। दूसरा, मानव का जो मानव शब्द है उसको हम अक्सर व्यवस्थ मनु स्वयंभू मनु इन दोनों में से किसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जल जल प्लावन का जो काम हुआ है उस वक्त व्यवस्थ मनु जी का ही वर्णन आता है, और उससे पहले भी हमें यह देव देव जातियों का वर्णन मिलता है, देव असुर किन्नर नाग गरुड़, इनके साथ इनका क्या संबंध है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा ये है कि जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि रेड इंडियंस में मैं सभ्यता के साथ कनेक्शन है, इसमें यह भी देखने में आया है कि वो लोग नगर के नगर बना करके छोड़ के चले जाते थे और जगह नगर बसाते थे, इसके प्रमाण मिल रहे हैं, तो शायद ये भी दोनों चीजों के साथ कनेक्शन हो, क्योंकि मैं लोगों का नाम तो आता ही है कि वो स्थापत्य कला के माहिर थे। तीसरा, जो आपने एक छोटा सा पॉइंट इसमें दिया है अरब के बारे में, ये बड़ा अद्भुत है और हम सबके लिए जिज्ञासा का कारण है, इसमें एक ग्रंथ सियारुल का नाम सुनने में आता है, मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, उसमें इस्लाम से पूर्व अरब का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जो लास्ट में एक छोटी सी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने मातृशक्ति की और खासतौर पे शेर वाणी का भी बहुत अच्छा वर्णन दिया है और हमारे लिए एनकरेजिंग भी है, बट इसमें एरिक न्यूमैन जो बहुत ही विद्वान हुए हैं, डेप्थ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और उन्होंने कार्ल गुस्ताव जंग का के जो शिष्य रहे होंगे उनकी पुस्तक के शुरू में भी कार्ल गुस्ताव जंग ने लिखा है कि यदि मुझे दूसरा जन्म मिलता तो मैं इस पुस्तक को लिखता,
तो एक पुस्तक है उनके ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर एक सेकंड चैप्टर है ग्रेट मदर। उस ग्रेट मदर चैप्टर को उन्होंने सेपरेटली एक बड़ी विस्तार से पुस्तक के रूप में भी लिखा है। वहाँ हमें तकरीबन विश्व के हर स्थान में मातृ पूजा का वर्णन का काफी डिटेल मिलती है, जो हमारे गहरे में अचेतन में तो प्रवेश कर ही चुका है, बट हमारी बहुत सारी जो लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, इनमें भी बिखरा हुआ मिलता है। तो इस पर मैं आपके कमेंट जो सुनना चाहूंगा अखिलेश जी से। आदरणीय, आपका बहुत आभार। वेद के संबंध में मेरी आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष जी से ये प्रार्थना है कि एक अलग से रखा जाए, जिससे कि हम सब लोग विस्तार से चर्चा कर पाए। पर मैंने जो अध्ययन में पाया है, शोध में पाया है, उसमें यही पाया है कि वेद के अंदर स्वतः प्रमाण है कि चारों वेदों को का प्रकाश ईश्वर ने सृष्टि के प्रथम में चार ऋषियों के हृदय में किया। अब इसकी विस्तृत व्याख्या भी कर सकते हैं, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार नहीं हुआ, क्या वो समाधि में जाके प्राप्त हुए या कैसे हुए, लेकिन ये बात निश्चित है कि चारों वेद सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं। हाँ, ये बात भी कही जाती है कि व्यास जी ने उनका विभाजन किया, पर मुझे ये बात ज्यादा तत्परक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि वेद ही और जो जो दूसरे ग्रंथ हैं वो इसके जो है प्रमाण है। एक बात आपने कहा कि सृष्टि के प्रथम में जो और दूसरी जातियां थी, यक्ष थे, गंधर्व थे, और भी दूसरे लोग थे, तो मैंने अपने अध्ययन में ये पाया है कि जो सृष्टि के प्रथम में देव ऋषि कोटि के मनुष्य हुए थे, उनमें जो संतति आगे बढ़ी वो कश्यप ऋषि के माध्यम से ही बढ़ी। इसलिए जो है दक्ष को प्रजापति इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रजाओं को आगे बढ़ाया, और उनकी 13 कन्याओं से ही कश्यप ऋषि का विवाह हुआ, जिनसे सभी तरह के जो बाद में गंधर्व वगैरह या दानव वगैरह हुए, वो उनकी प्रजातियां आगे बढ़ी। हाँ, ये बात सही है कि जो देव ऋषि कोटि के लोग थे, उनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कश्यप ऋषि से अलग हटके भी बढ़े, जैसे कि एक अंगिरा नाम के ऋषि थे जिनके पुत्र हुए थे बृहस्पति, बृहस्पति के पुत्र हुए थे कच्छ का नाम आता है, मतलब उसी श्रृंखला में हुए थे। भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि के हुए थे द्रोण, और इस तरह से परंपरा आगे भी बढ़ी है, लेकिन अधिकांश लोग जो है कश्यप ऋषि से ही बढ़े हैं। और मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि कश्यप तक या मनु तक सभी लोग देव ऋषि कोटि के ही थे, उसके बाद सबसे प्रथम क्षत्रिय का कार्य चूंकि मनु को दिया गया, तो मनु से जो संतति उत्पन्न हुई वो क्षत्रिय कहलाई, और क्षत्रियों से ही जो एक नाभानिदिष्ट थे उनके पुत्र नाभानिदिष्ट के पुत्र वैश्य का कार्य जो है धारण कर लिए, तो वो वैश्य कहलाने लगे, और बहुत काल बाद फिर शूद्र लोग, यानी जो लोग कुछ लिख पढ़ कम सकते थे, जो लोग अधिक उन्नत नहीं हो पाए थे, जो वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं कर पाए थे, उन लोगों को शूद्र कैटेगरी में रखा गया। कोई भी भारतीय संस्कृति में जन्म ना वर्ण नहीं है, बल्कि कर्म के आधार पर ही वर्ण निश्चित हुए। ये विषय तो डॉक्टर साहब हम बाद में लेंगे, क्योंकि जब कास्ट का अर्थ जाति और जाति का अर्थ कास्ट करना शुरू कर दिया, तो इस विषय की को हम लेंगे, और तब आपकी विद्वत्ता की हमें अपेक्षा होगी, क्योंकि इस विषय को हम चुनौती देंगे। तो डॉक्टर साहब के प्रश्न बड़े वाजिब हैं और बड़े मूल्यवान हैं, और ये जो चार भागों में विभाजित करने वाली बात है, इसकी अपनी एक और व्याख्या है, लेकिन उसको भी हम अभी टाल देते हैं, लेकिन उनसे मैं इस विषय पर जरूर बात करूंगा कि इसको कैसे डिकोड करें, क्योंकि ये सारी जो भाषाएं हैं और ये जितने पैराबल्स या यूं कह लीजिए कि जितने पौराणिकता है, इसको डिकोड करने का हमें तरीका देखना होगा कि डिकोड कैसे करना है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दीक्षिता जी को, और उसके बाद वे टू टीपीपी, मुझे नाम नहीं मालूम, और नरेंद्र दत्त जी को। ये बहुत संक्षेप और सटीक अपना वक्तव्य रखिए, समय ध्यान रखिए। जी मैम जी, जी, जी,
प्रथमतः बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भले दो लाइन कहने का अवसर मिला, पर मुझे समझ में यह आ रहा है, ये पहली बात तो ये इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं कोई जानकारी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा इस बारे में इस विषय में मेरा नॉलेज वो नहीं है। मैं दो समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाऊँगी आपका और उसका सॉल्यूशन के तौर पर भी मैं आपसे बात करूँगी। समस्या ये देखिए, मैंने ये मेरा भाग्य रहा कि मैंने डॉक्टर आशुतोष शर्मा साहब को मैंने सुना पहले, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इस तरीके का कोई शोध होता है क्या। बात नंबर एक, मैं इतिहास विषय की फैकल्टी हूँ, मुझे अभी इस टाइम पहली बार ये समझ में आया कि अच्छा इस तरीके के शोध हैं हमारे पास, तो यानी हमारी हमारी रीच वैसी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने माथुर साहब को सुना तो मुझे और ज्यादा बात समझ में आई, मैंने आशुतोष साहब को भी सुना तो मुझे समझ में आया, मैंने मैडम को सुना तो समझ में आया। तो कहने का ये मतलब कि सभी आप सभी विद्वत जन बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, नैतिकता के साथ काम कर रहे हैं, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, पर जरूरत इस चीज की है कि कहीं ना कहीं साझा जानकारियां हो, कहीं ना कहीं कॉमन एक पोर्टल होना चाहिए जहां पर कि हम जैसे फैकल्टीज भी इसका लाभ उठा सके, हम जान सके नया क्या हो रहा है, हमें पता होगा कि इस तरीके से काम हो रहा है तो हम भी कुछ कर सकेंगे, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी, सभी मैं सभी शब्द यूज कर रही हूँ, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा साहब को तो सुन चुकी हूँ, पर सभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर दिक्कत इस चीज को लेकर भी है, जैसे कि बातचीत की शुरुआत में ही मैंने कहा कि जब तक हम इस बात को प्रचलन में नहीं लाएंगे तब तक बात किया, मतलब हमारी जो रीच है वो सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग तक ना हो, स्टूडेंट्स के कॉमन पोर्टल तक हो। कॉमन से मेरा ये मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज की शुरुआत करें कि पाठ्यक्रमों में शामिल हो, मतलब कहीं 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 कोई छोटा पोर्टल हो। इतिहास की जब हम बात करते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी हद पाषाण काल से हम शुरुआत कर देते हैं, पर कालखंड को भले समस्या के तौर पर ही सही, मैं ये कह रही हूँ वामपंथियों का भी सवाल होते हैं है, ठीक है, पर कम से कम समस्या के तौर पर ही, पर एक विषय ही सही स्टूडेंट्स के मन में ये बात डाले तो सही कि ये बात इस तरीके से भी है। तो इस दिशा में हम सभी को मिलकर कुछ करना चाहिए, उसके लिए कोई कॉमन पोर्टल की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिया। जी मैडम, आप जुड़े और जैसा कि मैंने बड़े संकोच के साथ एक शब्द कहा था कि वी वॉन्ट टू लर्न दिस नॉलेज, हाउ टू यूज दिस नॉलेज एज ए वेपन एंड एज ए शील्ड, क्योंकि पिछले 70 सालों से जिस तरह से इन सब चीज़ों को किया गया है, बड़ा निम्न किया गया है, हाशिए पे पहुंचा दिया गया है, उसके लिए ये चीज़ एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ज्ञान है लेकिन ज्ञान को भी हमें व्यवस्थित करना है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें भी हमें सीखनी है। तो आपका सहयोग अपेक्षित है, आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। आखिरी लाइन मुझे मौका दें सर। ये एक्चुअली एक समस्या यहाँ पर भी आती है कि हम हर बात को ये कहकर, आपने भी ये कहा बहुत, मतलब बात समझ में नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए। आज अभी यहाँ विद्युत जन, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे शामिल किया जाए क्योंकि मेरा बहुत मेरा हटकर विषय है, कुछ मेरा इतिहास विषय है, ये जो ये अधिक डिटेल्ड रिसर्च वाली बात है, बट ये है कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ एक कॉमन पोर्टल के तौर पर आज अभी ही तैयार कर लें आज। जी, मैं कोशिश करता हूँ मैं जी। तो जल्दी से वे टू पीपीपी, मैं नहीं जानता, कृपया आप अपना नाम बता दें और उसके बाद अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं अभी, तब तक नरेंद्र जी। जी हाँ, वे टू पीपीपी पहले वो उनसे ले लेते हैं जी। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। सर मेरा नाम सरजू शरण गुप्ता है, एसएस गुप्ता। जी जी, मैं एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हूँ, साथ ही भारतीय सभ्यता का एक विद्यार्थी भी हूँ। अभी डॉक्टर अखिलेश ने जो बताया कि सारे विश्व भर में भारतीय संस्कृति सभ्यता फैली हुई है, और अभी लास्ट में मैडम ने जो बोला कि इतिहास में हमारे को इसका ज्ञान नहीं है, तो मैं उसी इतिहास का रेफरेंस देना चाहता हूं और पंडित भगवत दत्त शर्मा जी की
एक बड़ी रेयर पुस्तक है, भारत वर्ष का वृहद इतिहास, उसके पार्ट दो का मैं 30वां पेज का थोड़ा सा रीड आउट करना चाहता हूं, जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति आज ही नहीं शुरू से ही पूरे विश्व पे राज कर रही थी। कालांतर में जो भी कारण रहे हो उससे हम धीरे धीरे उस चीज को भूल गए जी। तो मैं थोड़ा सा एक आपको 5 मिनट लूंगा, इसमें जो पेज 30 का जो है वो दिया हुआ वो पढ़ रहा हूँ सर, संक्षेप में उसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां। बिल्कुल संक्षेप में है, बिल्कुल संक्षेप में जी। इसमें लिखा है, सर्वप्रथम राजा स्वयंभू मनु संसार का सर्वप्रथम राजा था जी। उसके दो पुत्र थे वैराज, वैराज के दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद जी। जी, प्रियव्रत की शादी प्रजापति से हुई, उसके 12 संतान उत्पन्न हुई, 12 में से 2 कन्याएं थी, 10 पुरुष थे जी। इन 10 पुरुषों में से राजा वैराज ने अपने 7 पुत्रों को इस पृथ्वी की 7 भूखंड में 7 द्वीपों में विभक्त करके उनको उनका अधिपति बना दिया जी। जी, राजा प्रियव्रत का जो पहला पुत्र था आग्नीत, जम्बूद्वीप का राजा बना, मेधातिथि लक्षद्वीप का राजा बना, वपुष्मान शालमिन द्वीप का राजा बना, ज्योतिषमान कुश द्वीप का राजा बना, द्वितीयमान क्रौंच द्वीप का राजा बना, भव्य शाक द्वीप का राजा बना और सवन पुष्कर द्वीप का राजा बना। तीन पुत्रों की इसमें कोई राज्य करने की कोई इच्छा नहीं थी, वो विरक्त हो गए। तो मेरे कहने का आशय यह है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता, सनातन संस्कृति और सभ्यता आज से ही नहीं बल्कि पृथ्वी के इस चक्र से पूर्व तक सारे विश्व में फैली हुई थी जी। और आज डॉक्टर अखिल ने जो मैं दिया उसका ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस चीज को खोजा और ये नरेटिव हम लोगों को दिया, ताकि हम जो भी इसके विरोधी हैं, भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, उनको हम अपना पक्ष रख सके जी। दूसरा प्रश्न एक आया था मनु के संबंध में, वैवस्वत मनु, अभी किसी सज्जन ने पूछा था, नाम मेरे को याद नहीं है। तो अभी इसके काल गणना में हमारे 14 मनवंतर माने जाते हैं जी। जी बिल्कुल, और अभी जो हमारा मनवंतर है 8वां मनवंतर है, उसका अधिपति वैवस्वत मनु है और इसी नाम से इस कालखंड को वैवस्वत मनु कहा गया है, मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर कहा गया है। ये छोटी सी मेरी जानकारी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपने मुझको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी, उसके बाद डॉक्टर संजय शर्मा। डॉक्टर अखिलेश जी को बहुत बहुत साधुवाद, व्यक्तिगत चर्चा तो विस्तार से मैं उनके साथ करूंगा ही और मेरी बीच बीच में होती भी रहती है। कुछ बिंदु जो है मुझे ध्यान में आए आज के इस पूरे वक्तव्य में से, जो चर्चा भी हुई, विशेष रूप से जो डॉक्टर रवि जी ने रखा कि रशियन लैंग्वेज के, तो वो जो लिथुआनिया है वो असल में रशिया का ही एक पार्ट रहा, छोटा सा देश है। उनका प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों दिल्ली में आया हुआ था और एक कार्यक्रम में मैं स्वयं उसका जो है साक्षी रहा। वहाँ एक विषय आया था, वहाँ एक जो है नदी है, वो एक तो यमुना वो शब्द है तो वो यमुना से जुड़ा हुआ है, दूसरा वो जो ये वाद्य यंत्र बजा रहे थे उसका नाम था कैनकलस। वो कैनकलस जो है उन्होंने बताया कि जब ये बताया जाता है तो उससे वो बता रहे थे कि जो आत्माएं हैं वो ऊर्ध्वगामी होती हैं, ऊपर के लोकों में जाती हैं, ऐसा उसके पीछे की धारणा है। और उन्होंने बताया कि ये जो है कैनकलस वास्तव में हरिद्वार में जब हम जाते हैं तो कनखल से जुड़ा हुआ है। अब कनखल में हम अस्थि विसर्जन करते हैं, ये एक मुझे जो है वहां पर बात एक नई जानकारी में आई। इसी प्रकार से जो माया सभ्यता की बात आई, उसका जो भारत में संबंध मिलता है वो मैराष्ट्र शब्द है, और मेराठ और मेरठ, मतलब मेरठ को राम के ससुराल हम सभी जानते हैं, ये सामान्य प्रचलन में है। ये एक दूसरा मुझे ध्यान, तीसरा जो जैसे टेम्स नदी है, वो टेम्स संस्कृत का शब्द जो है, तमस है वो काली नदी है, ऐसा भी कुछ विद्वानों ने इस पे काम किया है, ये एक विषय है। साथ में जो है मराठी में 2 भागों में लिखी हुई पुस्तक है, उसके अंदर जो बात रखी है कि हमारे जो बृहद भारत था जिसको अखंड भारत बोलते हैं, वो अलग अलग जो है 7 पार्ट में जो है आज आया,
तो जब वो बृहद भारत था तो उस समय हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंगों की संख्या जो है वो 64 थी, जो कालांतर में 48, 36 और इस क्रम में घटते हुए वर्तमान में 12 हैं। और हमारे पूर्व जो है राष्ट्रपति कार्यक्रम में बोल रहे थे वेंकटेश नायडू जी कि जब वो इधर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में गए, उन्होंने वहां पे जो है इस प्रकार के शिवलिंग देखे। तो जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में शिवलिंग दिखते हैं उनकी संख्या मिलाकर वो 64 है, ऐसा एक पुस्तक में मुझे ध्यान में आया, वो भी मुझे लगा कि आज आपके बीच में। इसी प्रकार से ब्रायन कॉक्स की जो है एक पुस्तक है ह्यूमन यूनिवर्स, और वो जो है 7 भागों में उनका एक टीवी सीरीज भी आया था। हालांकि उन्होंने जो है मानवों की उत्पत्ति का स्थान जो है वो अफ्रीका को माना, लेकिन उन्होंने वेदों की बात भी रखी और प्लेनेटरी सिस्टम को बेस बना के बहुत अच्छा उनका भी जो है बातें हैं। सारी बातें उनसे सहमति वाली नहीं थी, लेकिन मुझे लगा इसके साथ साथ PNO का भी जो है जिक्र करना वो बहुत ही जो है वाजिब है, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है, जो जितने भी ये जो पोप है ये सब और शाश्वत भाषा अंग्रेजी, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ शब्द है उपगण स्थान तो अफगानिस्तान, आर्यान से ईरान, ऐसे जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है। और एक पुस्तक में तो मैंने पढ़ा था कि हिप हिप हुरे भी शब्द जो है वो हर हर महादेव जो है शब्द से बना, ऐसे करके रुचिकर है। जी डॉक्टर संजय शर्मा जी, डीन है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में साइंसेस के जी, और उसके बाद मनमोहन शर्मा जी। जी संजय जी, विषय तो नहीं है ये, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इसमें जी। माननीय अखिलेश जी का अभी कंट्रोवर्सियल स्टडीज में अभी लेक्चर भी सुना था, थोड़ा सा लाउड आवाज कम आ रही है। सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन स्टडीज में मैंने अभी माननीय डॉक्टर अखिलेश जी का लेक्चर भी सुना था जी। तो निश्चित रूप से चीजें इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, फैली हुई है, बल्कि अभी एक पीछे एक और लेक्चर सुना था जिसमें पता लगा था कि साइंटिफिकली पिछले 225,000 साल तक का तो रिकॉर्ड है, अगर प्रूव करें जो DNA वगैरह स्पेसिफाई करते हैं कि इस धरती से कोई बाहर जाने के प्रमाण है, आने का प्रमाण नहीं है, इसलिए अनेक देशों में, लेकिन उसको आर्कियोलॉजिकली प्रूव करना होगा, उसके लिए प्रमाण जो आप दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे जी। साथ में जो है वो दीक्षिता जी ने एक प्रश्न जो उठाया था कि सिलेबस में आना चाहिए, निश्चित रूप से सभी हिस्टोरियन को, क्योंकि उनको 2000 साल की हिस्ट्री पता या 2000 प्लस माइनस करके थोड़ा बोलता, बाकी तो वो उससे आगे कुछ लोग बढ़ने नहीं देते, उसी में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाती है, उसी में मीडियल और सारा का सारा जो है खत्म हो जाता है। तो इनके पास मौका है कि वो सिलेबस में डालें, मटेरियल के लिए आपने बुक्स 3-4 बुक्स बता दिए, 3-4 बुक्स में अभी और बुक पर डाल देता हूँ जो मुझे मिली है अभी, तो वो लोग डाले करें इसमें, तो जरूरी है कि ये फैलाव हो, समझ फैले। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी, डॉक्टर मनमोहन जी सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए, यदि किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई और अपना वक्तव्य रखना चाहता है। प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी मुझे नहीं मालूम कहाँ। जी मनमोहन जी सर। सभी को नमस्कार, आज बहुत ही सुंदर वार्ता सुनने को मिली और प्रोफेसर साहब ने इस प्रकार से अपना वक्तव्य बढ़ाया धीरे धीरे, क्योंकि केवल लिटरेरी बात करने से बात बनती नहीं है, उन्होंने आर्कियोलॉजी के एविडेंस देकर के ढंग से अपनी बात को बढ़ाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई जान करके। वैसे पढ़ने में तो पढ़ते रहते हैं कि यहाँ सभ्यता थी, ये था, वो था, इंग्लैंड के भी बहुत से नाम जो है वह शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, शहरों के नाम, ये सारी बातें हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ जो बात की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सभी बधाई के पात्र हैं, सुरेंद्र जी भी बधाई के पात्र हैं, और आप लोग भी जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई और बात रखना चाहता है। डॉक्टर रूपिका जी, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी बात कह दें तो ज्यादा अच्छा है, टिप्पणी जो आपने की है। इस टिप्पणी का मैं जवाब दे दूं क्या?
एक सेकंड सर, एक आध और ले लें। डॉक्टर प्रभा जी, किसी ने और कोई अपनी बात? जी हाँ जी सर, नमस्कार। आपका मैंने व्याख्यान सुना, पुस्तक के तो मैं गो थ्रू नहीं हुई थी, मैंने आज पहली बार ही सुना है व्याख्यान, बड़ा अच्छा व्याख्यान रहा। बहुत सारी मेरी जिज्ञासाएं थी। एक में अनंत जी शर्मा, अब तो देवलोक गमन हो गया उनका, उन्होंने भी ऐतिहासिक तथ्य रखने की इतिहास विभाग में बड़ा प्रयास किया था और इतिहास विभाग के लोगों को, और दूसरा उनको लेक्चर और देना था, बोला वो एक लेक्चर मेरा करवाएं पहले आज, उसके बाद एक दूसरा और करवाएंगे। लेकिन इतिहास विभाग का ले लोग तत्पर नहीं हुए, तैयार नहीं हुए दूसरे लेक्चर के लिए। मतलब उन्होंने इतना उनको दिया था कि देखो ये कालखंड 200 साल या 400 साल का कालखंड है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, हम इन लोगों से कैसे निपटें। जी कोई नहीं, ये अभी ट्यूसडे को एक और वक्तव्य है, हाउ हिस्टोरियंस हैव बिट्रेड भारत, तो उसमें ये सारे विषय को हम लेंगे कि किस तरह का पॉलिटिक्स किया गया और किस तरह से इतिहास सारा लिखा गया, वो सारे विषय उसमें लेंगे। यदि किसी और की कोई टिप्पणी है तो अभी आप हमारे साथ साझी कर सकते हैं। सर छोटी सी। जी मैम, और उसके बाद फिर डॉक्टर अखिलेश जी को। हाँ छोटी सी है, जैसे मनवंतर की बात चली तो उसमें ये था कि प्रथम मनवंतर में देवता भी एक थे, जाति हंस थी और ना शायद सूर्य उसके वो थे प्रतिनिधित्व करने वाले, और हर मनवंतर में इंद्र भी अलग हुए, प्रजापति अलग हुए, क्षेत्रपाल अलग हुए, सभी अलग हुए हैं, और शायद ये उसके बाद विस्तार होता चला गया, मेरा जो समझ है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती जितना सा मैंने पढ़ा है। धन्यवाद सर। डॉक्टर अखिलेश जी, इस सारे के ऊपर बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी आपकी, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा अधिक हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सारे विषय के ऊपर आपकी एक टिप्पणी अवश्य। जी, एक प्रश्न ये था कि अन्य मत क्यों फैले जब हिंदू जो वैदिक मत ही इतना प्रचार में था, तो हमें काल गणना पे ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान में जो है सातवां मनवंतर चल रहा है, जिसकी 28वीं चतुर्युगी चल रही है और 28वीं चतुर्युगी का भी कलयुग चल रहा है, कलयुग के भी 5125 वर्ष के करीब हो चुके हैं कलयुग आरंभ हुए भी, तो इतने लंबे समय काल में वेदों का प्रचार न होने के कारण, वैदिक संस्कृति का प्रचार न होने के कारण जिन लोगों को जो बात ज्यादा अच्छी लगी उसको वो अपनाते हुए चले गए। लेकिन अगर शास्त्रार्थ की बात आएगी तो ये सभी लोग जानते हैं कि जो वैदिक विद्वान हैं उनके सामने कोई भी मत वाले टिक नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं टिक सकते हैं। एक बात, दूसरी बात जो मनवंतर की बात है, बहुत सारे मनवंतर हो चुके हैं इसलिए मैंने उन मनवंतरों की बात नहीं करी है, अभी सातवां चल रहा, छह हो चुके हैं और छह में हर एक मनवंतर की भी 71 चतुर्युगी होती है, तो बहुत सारी सभ्यताएं घटित हो चुकी हैं, उन सबका समझना समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैंने केवल जो आखिरी मनवंतर है उसकी जो 28वीं चतुर्युगी है उसका भी जो कलयुग का काल चल रहा है उसी पे अधिक चर्चा रखी, जिससे कि हम सब लोग उस बात को आसानी से समझ पाए। जी और कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। विनय कुमार जी। हाँ सर, एक चर्चा उसमें आया था कि भरत के संदर्भ में ऋषभ देव की इन्होंने पुत्र बोला, हम लोग जो जान रहे हैं दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत, इसके बारे में थोड़ा दो हुए हैं साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो, लेकिन जो शास्त्र कहता है वो यही कहता है कि ऋषभ देव के जो पुत्र भरत थे उन्हीं के नाम पे ये भरत खंड रखा गया था, दुष्यंत के पुत्र भी भरत हुए थे, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी ठीक है, थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए सर। चलिए, आज की ये परिचर्चा बहुत रुचिकर रही, उत्साहवर्धक भी रही और हमारे मन मस्तिष्क को इसने झंझोड़ा भी है और हमारे कुछ आत्मशंसिता के भाव को भी उसने जागृत किया है,
क्योंकि जिस तरह का इतिहास हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और जिस तरह की उस इतिहास ने हमारी कंडीशनिंग कर दी है, उससे मुक्त होने का मुझे लगता है अब ये सुअवसर आ रहा है और हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। और निश्चित रूप से हम ऐसे विषयों को और लेंगे और डॉक्टर अखिलेश जी को भी पुनः आमंत्रित करेंगे, डॉक्टर मेजर माथुर उनको भी दोबारा आमंत्रित करेंगे क्योंकि उनका भी प्रैक्टिकल अनुभव जो है व्यवहारिक अनुभव बहुत है। और हमारे साथ जो इतिहास के विषय से जुड़े लोग हैं आज, मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ संपर्क में रहें क्योंकि निकट भविष्य में कुछ और भी कार्य इस तरह से करने की योजना है, तो देखते हैं कि किस दिशा में हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें कूटस्थ नित्य की तरह जो है अपने आप को पहले ज्ञान में गढ़ाना होगा ताकि जब हम हमारे ऊपर आरोप लगे, आक्षेप लगे, तो हम उनके प्रत्युत्तर दे सकें। कम्युनिस्टों की और लेफ्टिस्ट लॉबी की मैं एक बात के लिए हमेशा प्रशंसा करता हूं कि उनके प्रश्न बड़े तीखे और सटीक होते हैं और वो जल्दी स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए अपनी तैयारी भी हमारी पूरी अच्छी होनी चाहिए, तो उसको हम फिर चुनौती उनको भी देंगे और अपने वक्तव्य को भी हम रखेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपने परिश्रम ज्ञान साधना को हमारे साथ साझा किया। मैं उनका भूरिशा धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रतिभागिता की, प्रश्न रखे और इसके नए आयामों को विस्तृत करने का प्रयास किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने धैर्य पूर्वक इस सारे वक्तव्य को सुना, इस सारे परिचर्चा में उपस्थित रहे, उन सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। तो निश्चित रूप से हम सब की तरफ से आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि ऐसे ऐसे बढ़िया वक्ता और स्कॉलर्स को आप ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये तो सर आप लोगों की कृपा है कि आप लोग मेरे पास मुझे ज्ञान दे देते हैं, मेरे निवेदन पे यही मेरे लिए उपलब्धि है। बस इसी योग्यता, ये योग्यता बनी रहे जी। मैं भी सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय प्रोफेसर आशुतोष जी का और उनकी संस्था का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे इस योग को समझा कि मैं इतने विद्वान जनों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार में शामिल हो पाऊं, और आशा करता हूं कि वो आगे भी मुझे ऐसा ही मौका देंगे। मेरे साथी गण जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं अभी तक और पूर्व से भी जुड़े हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आगे चलती रहे, ये चर्चा आगे चलती रहे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। आभार जी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व आपके लिए अगली सूचना है कि ट्यूसडे को इसी तरह से चर्चा है, लेकिन उसका विषय है हाउ हिस्टोरियंस हैव बिट्रेड भारत, उसके ऊपर हमने चर्चा रखी है। तो कृपया आप लोग सब उसमें जुड़े, अपना सहयोग दें और उसके जो भी आयाम है उनसे परिचित होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और जो लोग मेरे संपर्क में नहीं है कृपया मेरे से मेरा नंबर ले लीजिए या मेरे से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए या जो भी आपके पास और साधन है उससे आप जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं और मैं अपना नंबर जी या मेरे से नंबर साझा कर लीजिए या नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मैडम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।